हेलो ब्रीम नमस्कार वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सी हिंदी मैं प्रोफेसर सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सभी का स्वागत करता हूं चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा द हिंदू द हिंदू बिजनेस लाइन इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स और उसके साथ साथ उसकी न्यूज किसके लिए यानी न्यूज का यूज यानी आई तो चलिए शुरू करें आज की आई क्यू इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और जबरदस्त रूप से बट यानी सबसे पहले टेक्स एंड कॉन्टेक्स इसको जरूर आप लोग देखिएगा यूपीएससी वाली चर्चा पर ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगा रात को नौ बजे तो इसका हिस्सा आप लोग जरूर बनेगा ये चैनल यूपीएससी वाला यूपीएससी वाली चर्चा पर द हिंदू डेडिकेटेड पेज फॉर यूपीएससी है एक टॉपिक उठाया जाता है जिसको पूरा खत्म किया जाता है मेरे द्वारा नहीं इनके द्वारा यानी द हिंदू के द्वारा तो इसको मैं शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पर पहली बार टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स इसका हिस्सा जरूर बने आज के कौन कौन से टॉपिक हैं एक बार उस पर निगाह डाल लेते हैं फटाफट तो आज सबसे पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं दिल खुश हो जाएगा अक्सर मैं आप लोग आप लोगों के सामने मैं क्या यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा हुआ है मैं भी अपनी बात रखता रहा हूं इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ है जॉबलेस ग्रोथ है भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि आर्थिक सुधार की विसंगति या उसका परिणाम ऐसा क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने 2016 में पूछा तो हम लोग ये पढ़ रहे थे ठीक है लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आर्थिक सुधार अगर अच्छे से हो तो जो नई तकनीकें हैं वो बहुत ज्यादा रोजगार सृजित कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया पढ़ने जा रहे हैं आज का मतलब दिल खुश हो जाएगा न्यू टेक कैन क्रिएट मोर जॉब्स मेरे प्यारे बच्चों ठीक है और उसी को मैंने आई क्यू आई पी किया है यानी इनोवेशन किया है अपने ढंग से कि क्या जो तकनीक होती है वह भारत में जो जॉबलेस ग्रोथ है जी जीडीपी तो बढ़ रही है बट हमारी जो जॉब की स्थिति है वो कम हो रही है यानी रोजगार का सृजन कम हो रहा है तो हम उस इसके साथ उसको इंटरलिंक करेंगे याद रखेगा यानी कैसे तकनीक भारत में रोजगार को बढ़ा सकती हैं हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और सबसे बढ़िया इनोवेशन जो यानी रोस्तो ये एक इकोनॉमिस्ट एक हैं रोस्तो क्या नाम है इनका रोस्तो रोस्तो का फाइव स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल ये आपका दिल खुश कर देगा आज का सबसे मस्त पॉइंट यही है यानी एडिटोरियल में केवल रोस्तो का नाम था और रोस्ताव की जो इकोनॉमिक फिलॉसफी है उसको बाहर से निकाला गया तो रोस्ताओ का फाइव स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मेरे प्यारे बच्चों पहला टॉपिक यानी एकदम मस्त इसको आप सोचिए कितना इसको आपके लिए इंटरलिंक किया गया है तो पहला टॉपिक आज की जान है ध्यान रखेगा इसके बाद आते हैं अगला पढ़ते हैं दूसरा पढ़ेंगे इन यूएस एक्शन द वरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड सॉरी दूसरा हम पढ़ेंगे वाई बीजिंग राइजिंग मैरी क्लाउड कॉल्स फॉर अ ज्वाइंट इंडिया जापान न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट ठीक है द इंडियन एक्सप्रेस का वाई बीजिंग राइजिंग यानी बीजिंग का जो उदय हो रहा है वह भारत और जापान को एक साथ आने को कह रहा है और किस मुद्दे पर इंडिया जापान न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट यानी भारत और जापान भकीय पंडुब्बी के प्रोजेक्ट को साथ लेकर के आए क्यों क्योंकि बीजिंग का राइज हो रहा है तो अब यह बहुत बढ़िया टॉपिक है इसके माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी कि भारत और जापान को साथ आना चाहिए ठीक है ना अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साइलेंट फैक्टर के रूप में टेक्नोलॉजी काम करती तो तकनीक की आवश्यकता इसलिए भारत और ठीक है समय की मांग है कि भारत और जापान आपस में तकनीकी सहयोग करें यह भी जबरदस्त आईक्यूआईपी आई है मजा आ जाएगा उसके साथ साथ याच का तीसरा एडिटोरियल जो द हिंदू से है इन यूएस एक्शन द वरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस तो डब्ल्यूटीओ ने अमेरिका को फटकार लगाई है कि तुम डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन किए हो इसलिए तुम्हारा जो भी तुमने जो टैरिफ वगैरह लगाया है स्टील पर और उसके साथ साथ अन्य विषयों पर वह सही नहीं है वह अनुचित है यानी डब्ल्यू ने हम कह सकते हैं कि नकेल कसी है अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर डोनाल्ड ट्रंप के काल से जो कुछ आर्थिक नीतियां चल रही थी उसके ऊपर लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया है किसको कि हम भाई तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो उसको मैंने यहां पर कनेक्ट किया है अमेरिका की ये जो नीति है डब्ल्यू के जो भी डिसीजन रहे अमेरिका ने उसको मानने से इनकार कर दिया है उसको मैंने यहां कनेक्ट किया एथिकल कंसर्न यानी नैतिक मुद्दे के साथ ठीक है ना इसको मैंने नैतिक मुद्दे के साथ और दो हजार में प्रश्न आया था उसके साथ कनेक्ट कर दिया है और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे यानी क्या पढ़ेंगे अगला है आतंकवाद के ऊपर रीशेपिंग द वर्ड्स रेस्पॉन्स टू द टेरर मैट्रिक्स यानी आतंकवाद के ऊपर पढ़ेंगे कि आज के समय में जो आतंकवाद है उनका स्वरूप बदल गया है उस बदलते स्वरूप के अकॉर्डिंग संपूर्ण विश्व को आतंकवाद को देखना चाहिए ना कि केवल अलकायदा जैसे मोहम्मद ऐसे बड़े बड़े संगठनों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनानी चाहिए क्या है क्या नहीं इसके बारे में हम अंदर पढ़ेंगे तो काफी कुछ इनोवेशन है और ये यानी पांच न्यूज है द हिंदू की प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट और अब आते हैं जो भी बच्चे एंसर राइटिंग कर रहे हैं लगातार करते रहेंगे आप हारिएगा नहीं ध्यान रखिएगा और ये हैं रिप राजा राजा दामिनी सबका नाम लेना जरूरी उमेश गुप्ता खुशबू दिवाकर किसी भी बच्चे का छूट जाए तो आप लोग लगातार लिखते रहिएगा सपना तिवारी ब्लॉक बाई अभय दीप्ति यादव राकेश भाटी सीनू पतनवार ठीक है ना और इसके बाद राज गोरखपुर उत्तर प्रदेश नगमा हुडा पायल राजपति सुरभि शर्मा बहुत बढ़िया बच्चे सब अच्छा कर रहे हैं आप लोग अंकित खुशबू पटेल बादल सिंह राजपूत एजुकेशन एसके पॉइंट राम दिलीप मीना नीतू पटेल पापास कलेक्टर जिया वर्षा इसके बाद एजुकेशन एसके पॉइंट फिर आता है नम्रता कुमारी एमडी नूर आलम मोहम्मद नूर आलम तो सभी बच्चे बहुत बढ़िया लिखते रहिए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास यानी डीप कॉन्सेप्ट टॉक के साथ सबसे पहले आज डीप कॉन्सेप्ट टॉक में हम लोग बातचीत करेंगे क्वाड के ऊपर क्वाड यानी क्वाड्री लेटरल डायलॉग के ऊपर जो भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक क्या है रणनीतिक मंच है क्या है एक रणनीतिक मंच किस क्षेत्र के लिए यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए और इसका उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्या है यानी साझा भागीदारी सुनिश्चित करना और एशिया प्रशांत क्षेत्र को समृद्ध बनाना और किसी भी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की स्थिति को रोकना बहुत से इसके टास्क हैं तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं क्वाडरी लेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ये क्या है क्या है एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें चार राष्ट्र शामिल हैं जैसे यूएसए भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान और ये किस लिए साथ आए हैं मुक्त खुले और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए किसको फ्री ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन को सुरक्षित करने के लिए तो जो भी नए बच्चे हैं डीप कॉन्सेप्ट टॉक का मतलब होता है एडिटोरियल में आने वाला कोई भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन कोई भी पॉलिसी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है यानी इंपॉर्टेंट तो सब होता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है वो मैं यहां पर कराता हूं तो किसमें डीप कॉन्सेप्ट टॉक में तो क्वाड के बारे में आप लोगों को लगातार पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ लगातार आएगा ही आएगा ध्यान रखेगा अब इसके बाद आता है कि क्वाड का जन्म कैसे हुआ तो क्वाड का जन्म होता है जापान के पूर्व और स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे उनके दिमाग की उपज है 2007 में उन्होंने इसकी संकल्पना की थी याद रखिएगा ठीक है क्लियर है क्या किया था 2004 में उन्होंने इसकी संकल्पना की थी और आज यह इंडो पैसिफिक रीजन में एक महत्वपूर्ण जो है भागीदार देशों के रूप में सामने आया है याद रखें और क्या क्या इसके उद्देश्य हैं तो इसके बहुत से उद्देश्य हैं पहला उद्देश्य तो आपने यहां पर पढ़ ही लिया था फ्री ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन बनाना लेकिन उसके साथ साथ और भी क्या क्या उद्देश्य हैं यानी क्लाइमेट चेंज के जोखिम जो भी हो सकते हैं इस क्षेत्र में उसको संबोधित करना यानी क्लाइमेट चेंज से जो भी नुकसान होने वाला उसको नियंत्रित करना उसके साथ साथ यानी इंडो पैसिफिक रीजन में इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना निवेश का एक वातावरण बनाना और उसके अलावा तकनीक में इनोवेशन को आगे बढ़ाना तो ये चार उद्देश्य आप क्वाड के याद रखेगा क्या क्या फ्री ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन बनाना है इसके अलावा इस एरिया में क्लाइमेट चेंज का जो भी इंपैक्ट है उसको रोकना है उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का एक इन्वायरमेंट बनाना है यानी निवेश का एक वातावरण बनाना उसके बाद क्या करना है यानी तकनीकी नवाचार को इस क्षेत्र में बढ़ावा देना तो इसको आप याद कर लीजिएगा ये तो हो गया डायरेक्ट यानी प्रिलिम्स वगैरह में ऐसे ही आपसे पॉइंट रखा जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा सही नहीं है ये तो हो गया अब मेंस के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अब ये हम तब कंप्लीट करेंगे यानी जब दूसरा डिटोरियल पढ़ेंगे तब तो चलिए चलते हैं यहां से अब आते हैं इंडिया का सबसे बड़ा यानी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकेडमी आज तेईस तारीख है यानी जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं यानी जो बाइलिंगुअल पढ़ रहे हैं और अगर वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं यानी करंट अफेयर्स के थ्रू पूरी यूपीएससी तो मैं अन एकेडमी का आरंभ बैच जो बाइलिंगुअल बैच है उसमें मैं करंट अफेयर्स की क्लास ले रहा हूँ सेम इसी पैटर्न पर जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग ले सकते हैं अट्ठारह महीने का ऑफर आज लास्ट डे है जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं आज यानी अगर आप एडमिशन लेते हैं ऑप्शनल और जी दोनों में तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा ऑफर यानी एटीन मंथ का कोर्स है प्लस उसमें थ्री मंथ फ्री यानी इक्कीस महीना और प्लस अच्छा खासा छूट यानी कॉमन फीस है एट्टी वन थाउजेंड जो अभी हो गई है फिफ्टी एट ठीक है और उसके बाद इस पर भी टेन परसेंट जब आप कोड यूज करेंगे इसके लाइव तब आपको डिस्काउंट मिलेगा यानी अच्छी खासी छूट है आप ले सकते हैं एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव पर आप कॉल कर सकते हैं टेन टाइम एट फाइव एट फाइव एट फाइव पर ध्यान रखेंगोल तो बैच है इसमें आप एडमिशन लेके अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं सी सैड भी है अलग से आप सी से सेट करना चाहें वो भी यहाँ पर कोर्स खरीद सकते हैं आपको इसी नंबर पर कॉल कर लेना है बट हाँ जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो कोड यही यूज करेंगे ध्यान रखेगा इसके अलावा रेलवे आई आर एम एस यानी जो रेलवे सर्विसेज हैं जो यूपीएससी से निकाल करके अब रख दी गई हैं जो है अलग से रेलवे की सर्विसेज तो उसका भी अनएकेडमी कोर्स कराता है उसका भी आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आधार दे सकते हैं आज का जो अब टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला न्यू टेक कैन क्रिएट मोर जॉब देखिए कितना बढ़िया जैसे एडिटोरियल आया मैं एकदम खुश कि भैया नई तकनीक जो है बहुत से नए जॉब यानी रोजगार क्रिएट कर सकती तो जो हम कहते थे ना जैसे एक प्रश्न हम करते थे पहले उस प्रश्न पर ही आ जाए फिर आएंगे जैसे कहा के राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि का उत्थान भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सृजन के अवसर तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है यानी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या है है क्या है इस एडिटोरियल के अनुसार न्यू टेक ये नई तकनीक है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई तकनीक है और बहुत सी नई तकनीक आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया मनी मशीन लर्निंग हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया जितने भी तो ये सब क्या है नई तकनीक है और ये यहां पर कहा गया कि ये मोर जॉब क्रिएट कर सकते हैं अब आप देखिए यानी ज्यादा जॉब यहां से आ सकता है और हम इससे प्रूफ करने जा रहे हैं इसका मतलब है कि जब आपसे प्रश्न पूछा यानी यह वाला प्रश्न इसको एक बार फिर से देखिए कृत्रिम बुद्धि का उत्थान तो अब भविष्य में बेरोजगारी का खतरा इसके पहले आज वाले लेक्चर के पहले हो सकता है कि आपके पास बहुत से पॉइंट रहे हो जो मैंने ही पढ़ाए हैं या आपने कहीं और से भी पढ़े तो आपके पास जो पॉइंट रहे होंगे वो पॉइंट ये रहे होंगे कि हाँ भाई ऑटोमेशन आता है यानी टेक्नोलॉजी बहुत अगर आ, मतलब हाई हो जाती है तो एक कॉमन फेनोमिना है एक कॉमन मान्यता है एक सामान्य मान्यता है एक जनरल परसेप्शन है कि जो है रोज बेरोजगारी आती ही आती है ठीक है अभी तक आपने या हमने या कॉमन कोई भी इंसान जो कॉमन एनालिसिस करने वाला है कॉमन का मतलब अभी यहां पर जो विश्लेषक होंगे वो भी आगे लिखा मिलेगा प्राय ऐसा माना जाता है इन जनरल ऐसा माना जाता है कि जब भी तकनीक आएगी तो बेरोजगारी दि बढ़ेगी ऑब्वियस है यानी क्योंकि जो लोग उस तकनीक को हैंडल नहीं कर पाएंगे वो रोजगार प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे वैसे भी टेक्नोलॉजी कम लोगों को रोजगार में रखती है लेकिन आज के इस एडिटोरियल से हम पढ़ने जा रहे हैं कृत्रिम बुद्धि का उत्थान भविष्य में बेरोजगारी का खतरा नहीं भविष्य में बेरोजगारी की बढ़ोतरी यानी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं भविष्य में बेरोजगारी नहीं रोजगार की बढ़ोतरी किसकी रोजगार की बढ़ोतरी होगी याद रखिएगा। बट हां यह वाला एकदम सत्य है यूनिवर्सल ट्रूथ है यह क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चे यानी क्या है ध्रुव सत्य है पुनर्कौशल और उच्च कौशल यानी आपको करना ही पड़ेगा रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस एडिटोरियल में भी पूरा डिस्कशन करने के बाद यह बात बोला गया है कि हिंदुस्तान को उसके स्किल इन्वायरमेंट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने की आवश्यकता है कौशल पर्यावरण है यानी जो जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है जो है स्किल इकोसिस्टम उस पर हमें इन निवेश करने की आवश्यकता है ठीक है तो आप सोचिए दो दो रोज से हम पॉपुलेशन डिविडेंड पर इन्हीं सब विषयों पर बातचीत कर रहे हैं और आज हम यानी बात करेंगे कि न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो रोजगार को बड़ी मात्रा में बढ़ा सकती है और उसे प्रूफ करेंगे स्टार्टअप्स की जो संख्या है उसको बताते हुए तो बहुत बढ़िया है आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं और फिर मैंने उसी टॉपिक यानी इसी टॉपिक को 2019 के एसे को देखिए मॉडल क्वेश्चन बना दिया एसे मॉडल क्वेश्चन अब मेरा एसे पर थोड़ा फोकस ज्यादा होगा मैं ऐसा नहीं हिंदी में तो सभी इक्वल चलेगा लेकिन एसे अभी तक होता गया था एसे का मैं मॉडल क्वेश्चन नहीं बनाता था कम बनाता था जो प्रीवियस ईयर्स के होते थे उन्हीं को मैं टैकल कर देता था आपको किस समझा देता था कि फ्यूचर में ऐसा ऐसे आएगा तो आप ऐसा कर लीजिए ठीक है लेकिन बिहार पीसीएस में 300 मार्क्स का ऐसे आने से उत्तर प्रदेश पीसीएस का पूरा पैटर्न जो है क्या होने से यानी यूपीएससी का पैटर्न वहां तो ऐसे अच्छा, पहले से ही चल रहा है अन्य स्टेट में भी निबंध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और मैंने बिहार पीसीएस इतनी कटिंग आप बिहार पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे अगर आप लोग अपने अपने ग्रुप में डाल सकते हैं तो उन बच्चों की बड़ी मदद हो जाएगी क्योंकि ऐसे लिखना इतना आसान नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं बच्चे ये आपके कमीशन के चेयरमैन का मैंने इंटरव्यू पढ़ा तीन इंटरव्यू उनका मैंने तीन तीन चैनलों के माध्यम से मैंने पढ़ा तो बिहार चेयरमैन बिहार कमीशन के जो चेयरमैन उन्होंने कहा है कि हम निबंध के माध्यम से क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि बच्चा जो करंट में चल रहा हो उसके बारे में गहरी समझ उनका वर्ड है गहरी समझ रखता हो यानी जो कुछ भी चल रहा है उसकी गहरी समझ रखता हो जरा सोचिए कि पंद्रह बीस मिनट के लेक्चर में क्या गहरी समझ डेवलप हो पाएगी तो इसीलिए जो बिहार पीसीएस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं आप सबके लिए देख सकते हैं यहां पर मॉडल क्वेश्चंस लगा दिए गए हैं विस्तार से चूंकि 300 मार्क्स एकदम यूपीएससी से भी ज्यादा यूपीएससी से भी 50 मार्क्स ज्यादा तो इसलिए आप आज देखेंगे लगातार और मैं एक नया इनिशिएट भी करने जा रहा हूं एसे वगैरह को लेकर के ठीक है किसको लेकर के एसे वगैरह को लेकर के तो जल्दी ही यानी एक दो रोज में ही आपको मैं एसे पर अलग लेक्चर लेता हुआ दिखाई दूंगा और भूमिका बॉडी कंक्लूजन एक एक रोज के अंतराल पर ये क्लास में शुरू करने जा रहा हूं ये भी नहीं कि समय लगेगा इसीलिए क्योंकि मेरा ऐसे मुझे लगता है कि ठीक है वैसे मैं जीरो अपने आप को मानता हूं लेकिन आपको पढ़ाने के सेंस में मेरा स्ट्रांग है मुझे अच्छे मार्क्स भी मिले हैं यूपीएससी में तो मैं चाहता हूं कि वो चीज़ आप लोगों को दूं चूंकि अपडेट बहुत हूं तो मैंने जब यूपीएससी सॉरी बीपीएससी के चेयरमैन का वो इंटरव्यू सुना तो मुझे लगा कि यार मैं ये तो जो बात ये कह रहे हैं रोज मैं वही करता हूं तो उनका जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि क्वेश्चन भी इसी टाइप के आएंगे उन्होंने कहा गहरी समझ तो इसलिए बिहार पीसीएस वाले बच्चे यहां पर मेरे साथ अब कनेक्ट रहे ज्यादा से ज्यादा 300 मार्क्स में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है आप लोगों को पहले से भी मिल रही लेकिन अब और भी मिलेगी ध्यान रखिएगा अब आते हैं न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिलपु द एम्प्लयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया देख सकते हैं यानी पीछे कहा था कृत्रिम बुद्धि का उत्थान ऐसा 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 इसी क्वेश्चन को मैंने पलट दिया नई तकनीकी प्रगति भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी क्या ऐसा निबंध आ सकता है कि नहीं आ सकता फटाफट बताइए नई तकनीकी प्रगति भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी क्या यह प्रश्न आ सकता है कि नहीं अब आप देखिएगा यानी एक हो गया यहां पर हम फिर बता दे एडिटोरियल में यही पढ़ने जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो भी हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ मशीन लर्निंग हो गया ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी हो गया ये जितनी भी तकनीकें हैं इन तकनीकों में इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि यह एक व्यापक स्तर पर रोजगार को सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और ऐसे में अधिकतम लोगों को रोजगार मिल सकता है और हम यही विषय पढ़ने जा रहे हैं तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको वहां पर करा दिया अब फिर हम वापस आते हैं यानी न्यू टेक कैन क्रिएट मोर जॉब एडिटोरियल फिर आते हैं यानी जीएस थ्री ऐसे तो एक हो गया अभी हम ऐसे पर और भी बात करेंगे लेकिन पहले जीएस थ्री यानी इकोनॉमिक्स को देख लें इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार से संबंधित विषय आपके सिलेबस का पार्ट है तो ऑबियस है हमेशा यह प्रश्न आपसे संभावित रहेगा और यूपीएससी ने पूछा भी बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा केवल इतना पढूंगा नीचे वाला पार्ट भारत को जिन जॉबों की बेसब्री से दरकार है वह जॉब कहां से आएंगे स्पष्ट कीजिए वेयर विल द जॉब दैट इंडिया डेस्परेटली नीड्स कम फ्रॉम यानी जिस जॉब जिस को हम डेस्परेटली देख रहे हो कहां से आएंगे आज के एडिटोरियल के अनुसार यानी जिन जॉबों की हमें बेसब्री से दरकार है वो जॉब कहां से आएंगी बच्चे तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो जॉब आएंगी न्यू टेक्नोलॉजी से नई तकनीकों से मोर जॉब का क्रिएशन होगा यानी नई तकनीकों से ज्यादा जॉब आएंगे तो यह आप देख सकते हैं यानी इस क्वेश्चन का यह वाला पार्ट आप पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं मेरे साथ ठीक है तो ये हो गया अब इसके बाद एक मॉडल क्वेश्चन है यहां पर आते हैं इफ ियर स्किल आर इंपॉर्टेड टू द स्किल्ड पॉपुलेशन इंडिया गजब का टॉपिक है डिस्कस और ये केवल के क्वेश्चन नहीं है बच्चे ये अपने आप में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट भी है और ये कभी भी पूछा जा सकता है क्या है जरा एक बार और समझिएगा यदि कुशल आबादी को ठीक है ना उद्यमशीलता कौशल प्रदान किया जाता है ठीक है यानी जो हमारे यहाँ की आबादी है वो कुशल है उसको और हम उद्यमी बनाए उसको और कौशल युक्त तो बनाएं तो भारत मजदूरी रोजगार से स्वरोजगार के रूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव देख सकता है यानी फिर से इसको मैं कॉमन लैंग्वेज में समझाऊँ इस प्रश्न में कहा गया है कि अगर भारत कौशल विकास पर व्यापक ध्यान दे और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको स्किल्ड करे और जो स्किल है उनको टाइम के अकॉर्डिंग रीस्किल करें, करे उनके स्किल को अप स्किल करे तो ऐसे में हम यानी रोजगार के क्रिएटर बन सकते हैं यहां पर यह कहा गया यानी रोजगार के सीकर नहीं यानी रोजगार की इच्छा करने वाले नहीं मजदूरी करने वाले नहीं हम यानी रोजगार को क्रिएट करने वाले बन सकते हैं यह विषय भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्कुल आप कहेंगे यस हां और कैसे वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ध्यान रखिएगा फिर इसके बाद आ गया ये क्वेश्चन आपने कर लिया ठीक है अब हम लोग आगे बढ़े ठीक है हां अब देखिए एसे ही गया उभरती हुए ठीक है ये वाला क्वेश्चन भी एक बार आप देख लीजिए जैसे 2016 का एसे आया मैंने इसी एसे से जीएस का क्वेश्चन बना दिया है भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि आर्थिक सुधार की विसंगति या परिणाम नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया एंड एन, एनोमेली और एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि ठीक है ना अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया देखिए ठीक है उभरती हुई प्रौद्योगिकी को अपनाने से भारत में लगभग रोजगार रहित विकास की स्थिति यानी देख सकते हैं रोजगार रहित विकास या रोजगार रहित समृद्धि की स्थिति यही है ना भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि तो पहले पार्ट में यही लिख दिया द अडोपशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल टू टेंज द स्टेटस ऑफ नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इन इंडिया अ ग्रोथ विद द बूम एम्प्लॉयमेंट यानी उभरती हुई टेक्नोलॉजी जिनका मैंने अभी नाम लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन को अपनाने से भारत में आज जो लगभग रोजगार रहित या भारत में लगभग रोजगार विहीन समृद्धि है आप इसे विकास है समृद्धि भी लिख सकते हैं इस स्थिति को रोजगार में उछाल के साथ विकास में बदलने की क्षमता यानी हम न्यू टेक टेक्नोलॉजी के द्वारा रोजगार सृजन में एक बड़ी उछाल ला सकते हैं लिखिए है। इसी प्रश्न के आधार पर इस प्रश्न को बना दिया गया तो आप देख सकते हैं यानी जो मॉडल क्वेश्चन भी बन रहे हैं आपके अंदर एक ट्रस्ट होना चाहिए कि सर प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मॉडल क्वेश्चन भी आपके लिए जनरेट कर रहे हैं तो इसका फायदा आपको क्या होगा आप सबको अच्छे से पता ठीक है अब आते हैं ये तो हो गया अब एक प्रश्न था 2015 हजार मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर अब आप देखिए यानी टेक्नोलॉजी मैन पावर को रिप्लेस नहीं कर सकती आ, ठीक है वैसे तो सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं तो क्या होता है भाई जब रोबोटिक्स आ जाएगा ऑटोमेशन आ जाएगा तो रोबोटिक्स आ जाएगा ऑटोमेशन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये सब टेक्नोलॉजी है मानव शक्ति को विस्थापित करेंगी तो इस क्वेश्चन के आंसर के भी दो पार्ट होंगे लेकिन आज हम दूसरे वाले पार्ट पर चर्चा करेंगे कि यस हाँ बिल्कुल सही प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती अगर हम टेक्नोलॉजी को बेहतर ढंग से ग्रहण कर पाए धारण कर पाए जैसे जापान वगैरह ने धारण किया साउथ चाइना सॉरी करो साउथ चाइना साउथ कोरिया ने धारण किया यूएस ने धारण किया वेस्टर्न कंट्रीज ने धारण किया है तो ऑब्वियस है टेक्नोलॉजी यानी स्टार्टअप्स के द्वारा बहुत से मानव शक्ति को अपने में जगह देगी ठीक है तो एक पार्ट आज यहां पर हम करने वाले हैं कि यानी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी और स्टार्टअप्स में लोगों को रोजगार मिलेगा ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकते यानी मानव तो चाहिए ही चाहिए तो अब आप देख सकते हैं फिर 2013 में इसे आया था कल भी हमने किया था राष्ट्र के विकास व सुरक्षा के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी सर्वोपचार है तो हम पढ़ने ही जा रहे हैं साइंस एंड एंड टेक्नोलॉजी इज द द द पेंसिया फॉर ग्रोथ 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 सिक्योरिटी ऑफ नेशन तो यानी आप देख सकते हैं पी के लिए आज हम पढ़ने ही जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी जीडीपी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ेगी और उसके बाद रोजगार भी बढ़ेगा तो इस निबंध में भी एक पैराग्राफ आप आज वाले एडिटोरियल से डाल सकते हैं और जिसका मैंने समरी आपको बता दिया system, बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में। है ना तो अगर स्टार्टअप बढ़ रहा है और ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा और भी रिपोर्ट्स हैं उनका जिक्र है तो स्वाभाविक रोजगार तो सृजित होगा सिंपल सी बात है यही हम पढ़ने जा रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्र के विकास में टेक्नोलॉजी सर्वोपरि है आप ऐसा कर सकते हैं अब फिर आता है द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग छप्पर मरम्मत करने का सही समय तब होता है जब धूप खिली हो यानी जब आवश्यकता हो तभी कोई भी कार्य करना चाहिए याद रखें यानी जब स्थितियां आपके अनुकूल हो तो आज स्थितियां हमारे अनुकूल हैं याद रखिएगा स्थितियां हमारे अनुकूल कैसे हैं यानी हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन स्थितियां हमारे अनुकूल इस निबंध का मतलब हो गया बच्चे कि काम तब करना चाहिए जब परिस्थिति आपके अनुकूल जब स्थिति आपके अनुकूल इस निबंध का जो पूरा अर्थ है है वो यही स्थिति आपके अनुकूल हो तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारे पास स्थिति छप्पर मरम्मत करने का यानी नीति बनाने का स्थिति आपके सामने अनुकूल कैसे है तो आप बताएंगे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन डिविडेंड यानी जनसंख्यकीय लाभांश है अभी हम अभी हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पॉपुलेशन डिविडेंड यानी जनसांख्यकीय लाभांश वाले चरण में है आपको परसों मैंने पूरा लेक्चर कराया इस पर तो इसका मतलब हमारे पास युवा कार्यशील आबादी ज्यादा है ठीक है तो एक पॉइंट ये हमारे पास हो गया इसका मतलब है स्थिति हमारे अनुकूल है ठीक है अब जरा ध्यान किएगा इसके साथ साथ भारत सॉफ्टवेयर में पूरे विश्व में अग्रणी है और आज सॉफ्टवेयर आधारित ऐप से ही कोई भी स्टार्टअप हो रहा है तो ऐप के थ्रू ही अपनी सर्विसेज दे रहा है लोगों को तो सॉफ्टवेयर में भारत अग्रणी है तो स्थिति भारत के है अब आवश्यकता किस बात की है यानी आवश्यकता यानी छप्पर मरम्मत अब जो अब आवश्यकता इस बात की है, हमारे पास दोनों चीजें यानी पॉपुलेशन डिविडेंट भी है सॉफ्टवेयर भी है लेकिन आवश्यकता किस बात की है कि जो नई तकनीकें आ रही हैं उन नई तकनीकों के संदर्भ में हम अपने लोगों को क्या करें मेरे प्यारे बच्चों यानी उन्हें उन्हें हम स्किल्ड करें उन्हें हम कौशल युक्त करें यानी हिंदुस्तान में एक स्किल्ड एनवायरमेंट डेवलप करने की जरूरत है तो हम यहां कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि छप्पर मरम्मत करने का सही समय तब हो जाता है जब धूप खिली हुई यानी धूप अभी खिली हुई है भारत के पास अपॉर्चुनिटी है अभी उसको पॉलिसी में चेंज लाते हुए और स्किल इन्वायरमेंट को बेहतर करने की जरूरत है जिससे कि वह वर्तमान स्टार्टअप्स की स्थिति में और बूम ला सके और जीडीपी को बढ़ा सके उसके माध्यम से मैक्सिमम रोजगार को सृजित किया जा सके और इसके बहुत से फायदे होंगे ठीक है ना अब हम आगे बढ़ते हैं ध्यान रखें अब इसके बाद आता है इनोवेशन तो ये तो पूरा इनोवेशन ही है नव परिवर्तन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का परिहार निर्धारक है इनोवेशन इज द की दिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर तो ये आप पूरा टॉपिक ही इनोवेशन पर पढ़ने जा रहे टेक का यूज करना नई तकनीकों का यूज करना मतलब आप इनोवेशन कर रहे हैं तो नई तकनीकों का यूज करना क्या है नवाचार है और उस नवाचार से हम क्या करेंगे जीडीपी को बढ़ाएंगे और सोशल वेलफेयर को भी बढ़ाएंगे आई होप आप समझ गए होंगे तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आईक्यू इसके अंतर्गत समाहित है और इतना ही नहीं आप चाहें तो अभी एडिटोरियल पढ़ते समय ना जाने कहां कहां से यहां क्या डाल सकते हैं कोशिश करूंगा कि जितना मैंने आई क्यू आई इस टॉपिक में इसका डबल आई क्यू आई में कराऊं क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था इस टॉपिक को सुबह तो मतलब इतने पॉइंट जनरेट हो रहे थे कि केवल मतलब इससे एक जीडीपी नहीं बढ़ेगी अरे भाई जीडीपी बढ़ेगी तो गरीबी और भूख की समस्या का भी समाधान होगा जीडीपी बढ़ेगी यानी अगर स्टार्टअप ढेर सारे लगेंगे सर जीडीपी तो बढ़ेगी सरकार को टैक्स भी तो मिलेगा यानी सरकार जीएसटी वसूलेगी और इनकम टैक्स वसूलेगी कारपोरेट टैक्स वसूलेगी यानी सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा इसके साथ साथ उन स्टार्टअप्स में जो लोग जॉब करेंगे उस स्टार्टअप्स में जो लोग जॉब करेंगे उनको क्या फायदा भाई वो जो जॉब करेगा क्या होगा वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग कर रहा है इकोनॉमी के याद आ गया इकोनॉमी के चार सेक्टर पब्लिक प्राइवेट हाउस होल्ड एंड एक्सटर्नल तो हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर ये क्या है कंज्यूमर है जो खपत करता है और मार्केट में डिमांड क्रिएट करता तो है तो ऑबियस ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे तो इकोनॉमी का साइकिल भी तो बेहतर होगा डिमांड होगी तो सप्लाई साइड वाली शक्तियां एग्रेसिव हो जाएंगी वो उत्पादन करने लगेंगी तो यानी ये कोई कॉमन टॉपिक नहीं होता है अगर आपकी आईक्यू आई अच्छी है तो हर चीज को कहीं से भी गोल 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 आप घुमा सकते हैं और यही यूपीएससी है क्योंकि वहां जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं मिलने वाला है चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो प्रीलिम्स में चार से पांच क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट कुछ नहीं मिलता कठिन मिलते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है और मेन्स में तो लगभग नाइन्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना ही लगाना पांच परसेंट क्वेश्चन कुछ ट्रेडिशनल आ गए एक दो तो नहीं कहा जा सकता तो आज इसीलिए मैंने कहा कि यहां हम लोगों को सीखना है ठीक है आइए चलते हैं द बिग टेक बूम यानी भाई आज बड़ी बड़ी जो तकनीकी कंपनियां उनका बूम है बिल्कुल वही बात यहां पर बताई गई ठीक है ना अब यहां से बताया गया कि भारत भी यानी विश्व तो की बात हो रही फिर कहा गया कि भारत भी चाहे 5G की बात की जाए चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए चाहे नॉमस सिस्टम की बात की जाए ब्लॉकचेन की की क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जाए क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की जाए डिजिटल मैकेनिज्म की बात की जाए इन सभी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने की कगार पर यानी बॉर्डर पर यानी हम पूरी तरह से नहीं अपना पाए लेकिन हम अपना रहे हैं आने वाले समय में हम इसको अपना भी लेंगे ध्यान रखिएगा यानी हम क्या पढ़ रहे हैं कि आज ये तकनीकें किसी भी देश के आर्थिक सिस्टम का आधार बन रही हैं हिंदुस्तान का बन रही है विकसित देशों ने इसे आधार बना लिया है इसका कारण क्या रीजन क्या है याद रखिएगा ठीक है ना अपने लोगों की जो लिविंग कंडीशन है अपने लोगों का जो रहने का स्तर उसको और अच्छा करने के लिए रहने का स्तर अच्छा करने का मतलब है कि अपने लोग यानी जो हमारी जनसंख्या है उनको रोजगार मिले और अगर उनको रोजगार मिलेगा तो स्वाभाविक है उनकी रहने की दशा अपने आप अच्छी हो जाएगी तो यही है यानी आज तकनीक को सभी देश अपना रहे हैं इन सभी तकनीकों का नाम याद रख लीजिएगा क्यों अपना रहे हैं जिससे अपने लोगों की स्थिति को मजबूत कर सके इसका मतलब है कि आज का समय क्या है तकनीकी क्रांति का है और अगर यह तकनीकी क्रांति यानी तकनीकी क्रांति फाइव जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोनॉमस ये सब तो यह तकनीकी क्रांति का युग है और अगर हिंदुस्तान में तकनीकी क्रांति होती है ये वाली तकनीकी क्रांति होती है तो उसका इंपैक्ट कहां कहां दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों वह दिखेगा वित्तीय सेवाओं यानी फाइनेंशियल सर्विस में ट्रांसपोर्ट यानी यातायात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी में मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण में एजुकेशनल सेक्टर यानी शैक्षिक क्षेत्र में अब जरा ध्यान रखिएगा ठीक है एक, और भी क्षेत्र हो सकते हैं मैं इतना बता रहा हूं अब आप सोचिए अगर इन सभी में स्टार्टअप्स अगर इन सभी में स्टार्टअप्स जितने हैं उसका डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इसीलिए कहा गया है यह तकनीकी क्रांति का युग है अब एक नया शब्द आपके सामने ऐसा नहीं कि नया शब्द है लेकिन आपको यूज करना है। कि वर्तमान दौर तकनीकी क्रांति का दौर है आपको हर जगह लिखना, का लिखना है, तो है। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का दौर है और उसका इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा याद रखिएगा और अगर यहां पर पड़ेगा इन सभी सेक्टर्स में स्टार्टअप लिए जाएंगे तो ऑबियस जीडीपी तो अपने आप बढ़ जाएगी ना बच्चा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी और जीडीपी बढ़ेगी तो आपको अच्छे से पता है रोजगार भी मिलेगा समावेशी विकास का लक्ष्य भी हम प्राप्त करेंगे और सतत विकास लक्ष्य भी हम प्राप्त करेंगे ठीक है ना तो इस हिसाब से महत्वपूर्ण है अब आता है मुद्दा क्या है अब वही बात जो कॉमन हम लोग बातचीत करते हैं क्या लिखा व्हाट इज मुद्दा क्या तकनीक को आने जब तकनीक आती है ना तो एक डर सा होता है डर यार यार, तकनीक रोजगार खा जाएगी तो वही यहां पर बताया गया है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां अरे वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ये लोग भी ऐसा नहीं है तो यहां पर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा लेकिन इससे पता चलता है इंटरनेशनल एजेंसीज का मतलब वही हो गया यूएन की एजेंसियां या फिर आई वर्ल्ड बैंक ये सब ये लोग भी कहते हैं क्या कहते हैं कि अगर नई तकनीकें आएंगी यानी अगर ये सब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन तो रोजगार कम हो जाएगा क्या हो जाएगा रोजगार कम हो जाएगा याद रखेगा अब इसके बाद लेखक कहते हैं कि ऐसे में अब यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं चलो खोजा जाए चलो पता लगाया जाए क्या सच में नई तकनीकें आती हैं तो रोजगार चला जाता है यानी कहना तो अच्छी बात है कि तकनीक आई रोजगार गया लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है हम यही विषय पढ़ने जा रहे हैं क्या सचमुच ऐसा होता है हम पढ़ने जा रहे हैं नहीं हम पढ़ने जा रहे नहीं ऐसा सचमुच नहीं होता हालांकि होता भी है तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स लेकर के चलने होते हैं याद रखेगा जित हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ये या हमेशा याद रखेगा। तो दोनों पार्ट हमें लिखने होते हैं लेकिन अब यहां हम यही चेक करने जा रहे हैं कि क्या हमारे यहां ऐसी स्थिति है लेकिन चेक करने से पहले देखिए वही प्रश्न यहां पर लगा कृत्रिम बुद्धि का उत्थान भविष्य में बेरोजगारी का खतरा तो आप कहेंगे हाँ भैया जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी कहती हैं कि जब भी नई तकनीक आती है तो बेरोजगारी का खतरा बढ़ जाता है यानी इस क्वेश्चन में इस लाइन को एंट्री करा सके इसलिए मैंने यह क्वेश्चन यहां लगाया और यही चाहता हूं जब आप ऑप्शनल भी पढ़े एक्स जैसे मान लीजिए मैं हिंदी लिटरेचर का टीचर हूं हिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ा रहा हूं तो जैसे कोई भी टॉपिक एक्स आता है ना तब तो हर एक पंक्ति में अगर कोई क्वेश्चन घुस रहा है ना उसको वहां पर डाल दीजिए ठीक अपदीपो अब भवा दूसरों पर उतना विश्वास नहीं करना है आप यहां से सीख रहे हैं उसका यूज करिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या यह रोजगार गिराएगा या रोजगार बढ़ाएगा तो आइए चेक करते हैं यहां लिखा है यानी द स्टार्टअप बूम इन इंडिया अब बताया जा रहा है यानी एनालिसिस करके बताया जाएगा कि क्या नई तकनीकें रोजगार को बढ़ाएंगी या घटाएंगी तो अब यहां कहा गया भैया पहली तो पॉजिटिव साइन ये दिखाई दे रही है भारत में स्टार्टअप का बूम है और यहां पर इकोनॉमिक सर्वे ट्वेंटी वन का जिक्र किया गया बच्चे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह का जिक्र तो आपको अपने आंसर राइटिंग में ऐसे करना है कि जैसे आप समझिए कि दाल में नमक का इस्तेमाल मतलब उसके अगर दाल में नमक ना हो सब्जी में ना हो नमक तो आपसे खाया नहीं जाएगा तो वैसे ही इकोनॉमिक सर्वे वगैरह का इस्तेमाल जहां भी मौका मिले वहां करना है तो यहां कहा गया कि स्टार्टअप बूम है हिंदुस्तान में यानी खूब स्टार्टअप लिए जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे ट्वेंटी 22 कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि पिछले छह वर्षों में पिछले छह वर्षों में भारत में स्टार्टअप्स में बहुत वृद्धि हुई है यानी बहुत से स्टार्टअप्स लिए गए तो ये हो गया यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम हिंदुस्तान में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे बहुत मजबूत रहा तो ये तो प्राउड करने वाला मोमेंट है अच्छी बात है बट यहां जो एडिटोरियल राइटर ने नहीं लिखा उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर दूं इसीलिए मैंने कहा कि कई अब इसमें देखो लिखा हुआ मोस्ट ऑफ विच बिलोंग टू सर्विस सेक्टर यानी जितने भी स्टार्टअप लिए गए उसमें से अधिकांश ना सर्विस सेक्टर को बिलोंग करते अब आपको अच्छे से पता बच्चा कि सर्विस सेक्टर में सेवा क्षेत्र में रोजगार उसी को मिलता है फाइनली मैक्सिमम रोजगार मैं नहीं कहूंगा हंड्रेड परसेंट लेकिन मैक्सिमम उसी को मिलता है जो स्किल्ड होते ठीक है यानी जहां जो कौशल से युक्त होते हैं ये एक इश्यू हमेशा रहेगा कि सर्विस सेक्टर जब भी आएगा यानी जब भी सर्विस सेक्टर लेड जीडीपी होगी सेवा क्षेत्र आधारित जीडीपी होगी वहां पर रोजगार की समस्या हमेशा आएगी तो एक पॉइंट जिसका एडिटोरियल राइटर ने जिक्र नहीं किया उसको आप लिख लीजिएगा इसका मतलब है कि जिस देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पर क्वालिटी एजुकेशन कम है वैसे देश में हमें सर्विस सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्री का जो हमारा सेक्टर है यानी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनानी चाहिए यानी श्रम गहन औद्योगिक नीति अपनानी चाहिए ये पॉइंट भी अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा फिर आएगा मजा मेरे प्यारे बच्चों खैर 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 ये बात भूल जाइए एकदम से जो मैंने बताया ठीक है क्योंकि अभी हम एक पार्ट पढ़ रहे हैं स्टार्टअप बूम इन इंडिया तो सर्विस सेक्टर में है अब आप देख सकते हैं जनवरी 10 2022 तक का जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे में तो सिक्सटी स्टार्टअप अभी तक हिंदुस्तान में हो चुके हैं ध्यान रखेगा अब इसके बाद आता है न्यूयॉर्क की एक एजेंसी है जिसका नाम है सीबी इन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट ये क्या निकालती है यूनिकॉर्न लिस्ट निकालती बच्चे यानी ऐसे स्टार्टअप जिनकी प्रॉपर्टी एक बिलियन डॉलर से ज्यादा हो अकॉर्डिंग टू सीबी इन मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2022 ये क्या कह रहा है यानी जो भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों वह विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है अब आप देख सकते हैं डेटा बताया यानी हम स्टार्टअप में विश्व में नंबर तीन पे हैं 642 जिलों में 60000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं जिनमें से 65 यूनिकॉर्न है क्या है जिसमें से 65 यूनिकॉर्न है मेरे प्यारे बच्चों अब आप यहां पर पॉइंट देख सकते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उद्यमशीलता के उपक्रमों के लिए विशाल गुंजाइश यानी ये ये बता रहा है कि अगर मतलब हमारे देश में स्टार्टअप्स की अभी और ज्यादा संभावनाएं हैं याद रखिएगा तो ऐसे में ऐसे में अगर स्टार्टअप्स इतने बड़ी मात्रा में हैं और आगे भी लिए जा सकते हैं तो फिर क्या होगा क्या होगा क्या होगा स्वरोजगार स्टार्टअप कौन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है यानी जैसे मान लीजिए आपने आपका नाम एक्स है आपने स्टार्टअप लिया तो आप क्या हो गए आप सेल्फ एम्प्लॉय हो गए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गए आप सेल्फ हो गए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो गए तो इसका मतलब क्या है कि आप ढेर सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी रोजगार का अवसर दूसरों को दे रहे तो यहां तक के एनालिसिस से क्या पता लगा यानी सीबी बी ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट से इसके साथ साथ जो हमने पढ़ा इकोनॉमिक सर्वे ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू से इन दोनों से हमें यह पता लगा मेरे प्यारे बच्चों की उभरती हुई प्रौद्योगिकियां रोजगार के अवसरों का सृजन करती है तो अब कोई आपसे पूछे तो एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया और उस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए दो आपके पास क्या आ गए रिसोर्स आ गए यानी इकोनॉमिक सर्वे और यूबी यूनिकॉर्न लिस्ट मजा आया यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई एकदम 100 परसेंट अब हम आते हैं इकोनॉमिक सर्वे इक्कीस बाईस में डिटेल में कहा गया है ठीक है ना 2021 में यूनिकॉर्न की जो स्थिति थी वो कितनी थी 44 स्टार्टअप्स की और 7 सितंबर 2022 तक 107 यूनिकॉर्न इंडिया में है आप देखते हैं। यानी यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ रही है बहुत तेजी के साथ अब आता है ये भी आपके सामने प्रश्न आता है भैया स्टार्टअप और यूनिकॉर्न इंडिया में क्यों इतनी तेजी से बढ़े यह भी फ्यूचर में आपसे प्रश्न पूछ सकता है मैं कहता हूं इंटरव्यू पूछ सकता आपसे कि स्टार्टअप इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़े क्या रीजन रहा यूनिकॉर्न इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़े तो भैया उसमें कोविड के फायदे भी हैं कोविड के नुकसान भी है तो कोविड का यह फायदा रहा कि वर्क फ्रॉम होम तो वर्क फ्रॉम होम रहा याद रखेगा और इसके अलावा क्या किया गया यानी वर्क फ्रॉम होम था तो कंपनियों ने अपने आप को डिजिटलाइज कर दिया एक चीज इसके बाद हमारे यहां का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम उसको सरकार ने भी बहुत सपोर्ट किया यूपीआई और सारी चीजें तो व्यवसाय भी डिजिटल हुए पेमेंट सिस्टम भी डिजिटल हो गया और इन दोनों के परिणाम स्वरूप यानी आप देख सकते यूनिकॉर्न्स को हेल्प मिली इसके साथ तीसरा चीज क्या है तीसरा चीज था कि हिंदुस्तान में स्मार्टफोन यूजर बहुत बड़ी संख्या में का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब स्मार्टफोन नहीं वो दुकान भी है कभी आपने महसूस किया स्मार्टफोन नहीं है वो दुकान है आप वहां से टमाटर भी मंगा सकते हैं कोई और वेजिटेबल मंगा सकते हैं अंडे मंगा सकते हैं तूज मंगा सकते हैं कपड़े मंगा सकते हैं स्टिक मंगा सकते हैं रिमोट मंगा सकते हैं वट जो चाहे वो मंगा सकते हैं सिनेमा का टिकट मंगा सकते हैं नारियल पानी मंगा सकते हैं दूध मंगा सकते हैं वाट जो चाहिए सब मंगा सकते हैं तो मोबाइल फोन नहीं एक प्रकार का दुकान है वो तो इस दुकान तक यानी जो हर व्यक्ति के हाथ में हिंदुस्तान की एक दुकान है मैक्सिमम ठीक है ना तो जो ये लार्ज स्मार्टफोन यूजर बेस यानी जो ये दुकान है तो इस दुकान तक लोग बहुत आसानी के साथ पहुंच गए सिस्टम को डिजिटलाइज करके तो ये हो गया आप यहां से देख सकते और जब वो यहां तक पहुंच गए तो स्वाभाविक है अब आप उनके उत्पाद तक यानी उनके प्रोडक्ट तक पहुंच गए तो डिमांड और सप्लाई का रिलेशन बन गया और डिमांड और सप्लाई का रिलेशन बना तो स्टार्टअप्स होने लग गए यही बात यहां पर बताई गई है आई होप आप इसको समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों वही बात यहां लिखी हुई जीवन के हर पहलू में जीवन के हर पहलू में कॉमर्स का डिजिटाइजेशन हो गया डिजिटलीकरण हो गया यानी आपके हाथ में सभी प्रकार की सुविधाएं आपको अच्छे से पता है पढ़ना है तो भी ऐप है खाना है तो जोमेटो है पढ़ना है तो अनएकेडमी है ठीक है और इसी प्रकार के जितने ऐप आप सोच सकते हैं वही बात यहां पर बताई गई है तो आई होप मजा आया कि नहीं मजा आया अब आता है वेयर डिल द जॉब्स ऑफ टुमारो कम्स फ्रॉम यानी कल की नौकरियां कहां से आएंगी अब आइए जरा क्वेश्चन पढ़े कल की नौकरियां कहां से आएंगी कल की नौकरियां कहां गया कहां गया? कहां कहां गया 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 आ जाओ जाओ, 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 जाओ। क्या कह रहा है भारत को जिन जॉबों की बेसब्री से दरकार है वो जॉब कहां से आएंगे? अब आप देखिए द जॉब दैट इंडिया डेस्परेटली नीड्स कम कंफर्म यानी वो जॉब कहां से आएंगी आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम से आएंगी इक, स्टार्टअप इकोसिस्टम से और उसका एग्जाम्पल उसको प्रूफ कर रही है ये सारी रिपोर्टिंग ये सारे डेटा मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ये हो गया अब आते हैं कल की नौकरियां कहां से आएंगी तो कल की नौकरियां आएंगी इमर्जिंग स्टार्टअप से उभरते हुए से देख सकते हैं तो ये हो गया आप यहां से देख सकते हैं अब आता है ये स्टार्टअप किन किन क्षेत्रों में यार सभी क्षेत्रों में एग्रीटेक फिनटेक यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो कंपनियां बन रही हैं जो किसानों को अनेकों प्रकार की सहूलियतें प्रदान कर रही हैं फिनटेक यानी जो ऐसी तकनीकी कंपनियां जो फाइनेंशियल सुविधाएं लोगों को प्र, प्रदान कर रही है मैं सेमी को, इन सब को, तो वही है फिनटेक ठीक है एग्रीटेक एडूटेक ठीक है तो यही सारी बातें यहां पर बताई गई हैं ठीक है और ये जितनी भी ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं चाहे एग्रीटेक हो चाहे फिनटेक हो चाहे एडूटेक हो चाहे किसी भी सेक्टर के टेक हो बस आप इतना लिख देंगे तो भी समझ चल जाएगा तो किसी भी क्षेत्र के टेक हो तो ऑब्वियस है ये सब क्या कर रहे हैं यानी उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करें कौन सी तकनीकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स रोबोटिक्स इन्हीं सब का इस्तेमाल करके ये सब आगे बढ़ रहे इसीलिए कहा गया कि नई एडिटोरियल राइटर ने कहा कि नई तकनीक यानी रोजगार को सृजित करेगी और जी भी बढ़ाएगी आई होप आप इसको समझ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों फिर यहां बड़ी अच्छी बात कही गई लेकिन यानी न्यू टेक्नोलॉजी में संभावनाएं हैं कि वो जी और रोजगार दोनों को इंक्रीज करेगी बट समस्या क्या है आखिरी पॉइंट आप पढ़ेंगे जब आपके पास नोट जाएगा लिखा हुआ कि यानी स्किल का एटमोस्फियर हमें क्रिएट करना पड़ेगा यानी कौशल हमें विकसित करना पड़ेगा तभी ऐसा हो पाएगा अब यहां तक आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रोजगार में पॉजिटिव रिलेशन है क्लियर हो गया अब जरा सा दस सेकंड का पॉज लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हालांकि मैंने थोड़ा तेज पढ़ दिया लेकिन हो गया आपका ध्यान हटाने की अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बड़ा जबरदस्त और उसका नाम है अमेरिकन इकोनॉमिक रोस्टोस फाइव स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अब इसको आप क्या कहेंगे एडिटोरियल में केवल इनके नाम का जिक्र किया गया था रोस्टो यानी अमेरिकी इकोनॉमिक का ठीक है और डायरेक्ट एक दो बातें बता दी गई थी लेकिन फिर यहां पर कंटेंट आपके लिए जब बनाया गया तो अमेरिकी अर्थशास्त्री रोस्टो के आर्थिक विकास के उन्होंने विकास को आप समृद्धि भी हमेशा दिमाग में रखिएगा यानी हम विकास भी लिख सकते हैं हिंदी में विकास ही आ जाता है तो विकास या समृद्धि कुछ भी आप करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ध्यान रखिएगा तो अमेरिकी अर्थशास्त्री रोस्टो के आर्थिक विकास के पांच चरण रहे हैं पांच चरण कौन रहे जैसे पहला ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी उन्होंने कहा कि जो आर्थिक विकास होता है उसके पांच चरण होते हैं उसके पांच स्टेज होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला कौन सा होता है पारंपरिक समाज पहला क्या होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी याद रखिएगा और इसमें क्या होता है इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो निर्वाह अर्थव्यवस्था की होती है याद रखिएगा यानी केवल जी ले हम यानी जब सभ्यताओं का आरंभ हुआ था तब एग्रीकल्चर बेस्ड जो इकोनॉमीज होती थी दूसरा होता है ट्रांजिशनल स्टेट ठीक है जहां पर संक्रमणकालीन चरण यानी हम कुछ कुछ आधुनिकता की तकनीकों को अपनाने लगते हैं परंपरा के साथ कुछ आधुनिकता की तरफ आने लगता है यानी टेक ऑफ की स्थिति को अपनाने लगते हैं तीसरा स्टेज होता है बच्चे उड़ान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक ऑफ चरण अब आप कहेंगे क्यों बता रहे अभी बताते हैं ये सब आपको निबंध वगैरह में यूज करना तभी तो मजा आएगा कि हिंदुस्तान आज टेक ऑफ की कंडीशन में है तीसरा होता है टेकाफ यानी जब आप आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं आज हम इसी अवस्था में हैं आज हम टेकआफ की अवस्था में याद रखेंगे चौथा है ड्राइव टू मेच्योरिटी यानी जब हम यानी जब हम आधुनिकता के तकनीकों का इस्तेमाल करते करते मेच्योर हो जाते हैं जैसे जापान वगैरह हो चुके उसे बोलते हैं ड्राइव टू मेच्योरिटी यानी परिपक् परिपक्वता के लिए ड्राइविंग और फिर आता है हाई मास कंजशन क्या आता है उच्च जन खपत इसका मतलब होता है कि जब हम तकनीक में बिल्कुल संपन्न हो जाते हैं यानी फोर्थ स्टेज तो पांचवें में क्या हो जाता है हर व्यक्ति तकनीक का इस्तेमाल करता है जैसे आज आज के दस साल पहले हर व्यक्ति मोबाइल का उपयोग नहीं करता था लेकिन आज हर व्यक्ति मोबाइल का उपयोग कर रहा है इसी को बोलते हैं हाई मास कंजशन तो ये कह रहे हैं कि, कि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ इन पांच स्टेज में चलती है आज हिंदुस्तान कहां खड़ा है ठीक है ना भारत वर्तमान में ऑफ चरण में यानी हम कहां पर हैं यस ये देखेगा हम ऑफ चरण में है जहां निवेश से आए बचत और आगे के निवेश में वृद्धि होती है यानी हम यहां पर क्या करेंगे यानी हम टेक ऑफ चरण में है यानी आधुनिक अर्थव्यवस्था के चरण में है जहां पर इन्वेस्टमेंट महत्वपूर्ण है यानी अगर निवेश होगा ध्यान रखिएगा निवेश होगा और निवेश का मतलब केवल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं निवेश का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट भी यह भी आप दिमाग में रखिएगा तो आज एडिटोरियल पढ़ते समय यह बात दिमाग में आई कि केवल कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट भी हमें दिमाग में रखना है तो यानी जब निवेश होगा तो ऑब्वियस है ऑबियस लो, लोगों को काम मिलेगा उनकी आय बढ़ेगी आय बढ़ेगी ऑब्वियस है तो बचत भी होगी और फिर यही बचत का पैसा फिर अर्थव्यवस्था में निवेश होगा तो कहा गया आज हिंदुस्तान टेकऑफ किया स्थिति में इस इसका अगला चरण यानी परिपक्वता के लिए ड्राइविंग क्या है ड्राइव टू के लिए है इसमें क्या किया जाएगा याद रखिएगा यह या जो चरण होता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर संचालित होता ठीक है ना यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर और जब हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करते हैं तो हमारे यहां विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है निवेश व्यापक स्तर पर आता है तो आज हम यानी तकनीकी नवाचार की तरफ बढ़ रहे हैं हम अभी ऑफ में हैं लेकिन हम यानी ड्राइव टू मेच्योरिटी यानी तकनीकी नवाचार के चरण में बढ़ रहे हैं तकनीकी नवाचार का मतलब जो भी टेक्नोलॉजी अभी आपने पढ़ी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग तो वो सब इस चरण में है और हम अभी इस चरण में हैं जरा समझिएगा हम इस स्टेज में ऑफ वाली अब हम यहां पर पहुंच रहे हैं पॉइंट को समझिएगा अब हम यहां पर पहुंच रहे हैं ठीक है तो ऐसे में अगर हम एजुकेशन और स्किल को बहुत बेहतर कर दें तो हम इन उभरती तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे यानी जब आपके यहां स्किल्ड लेबर हो जाता है और आप टेक्नोलॉजी में भी सक्षम होते हैं तो फिर विदेशों से इन्वेस्टमेंट आता है सभी क्षेत्रों में फिर उसमें यह नहीं होगा कि एग्रीटेक में नहीं आएगा केवल सर्विस सेक्टर में आएगा नहीं फिर एग्रीटेक में भी आएगा फिनटेक में भी आएगा एमएसएमई के लिए भी कुछ होगा उसमें भी आएगा तो वही यहां पर कहा गया है कि आज हिंदुस्तान टेक ऑफ की स्थिति में है जहां पर निवेश आय और बचत का संबंध देखा जाता है एक अर्थव्यवस्था में वो तकनीक को अपना रहा है लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं यानी वो जब फोर्थ चरण में अब आ रहा है अभी संक्रमण के दौर में मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बता दिया कि अभी हम ट्रांजिशन फेज में है पहली ही स्लाइड पर तो अगर हम यहां आते हैं और उसके साथ साथ लोगों को जबरदस्त स्किल करते हैं तो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आएगा और उसके साथ साथ हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी स्टार्टअप बढ़ेंगे लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर तकनीक का आलम ऐसा होगा कि हर हाथ में यानी क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा हर हाथ में मशीन लर्निंग होगा क्वांटम कंप्यूटिंग के जो भी सिस्टम हो सकते हैं वो सारे होंगे और इसी को बोलते हैं फिफ्थ चरण याद रखेगा ठीक है ना और ये पांचवा चरण वो चरण होता है जहां पर टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया जाता है किसके द्वारा जनता के द्वारा मास के द्वारा आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा एक बार कमेंट करके फटाफट बताएं बच्चे एक बार सारे बच्चे बताएं एक बार कमेंट करके बताएं फटाफट कि कोई इसमें फटाफट बताइए पांचों समझ में आएगा नहीं जब तक आप बताएंगे नहीं समझ में आया तब तक मैं आगे बढ़ूंगा रोस्टो आपको इसको यूज करना है जैसे मान लीजिए कि आप किस चीज पर पड़ रहा जैसे मैं उसी निबंध की बात करूं कौन सी यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को मंथर कर दिया ऐसे कोई फ्यूचर में पॉलिसी एनालिसिस पर प्रश्न आ जाए जिसमें सरकार की आर्थिक नीतियों पर आपको कुछ लिखना हो तो आप बता सकते हैं कि अमेरिकी अर्थशास्त्री रोस्टो के फाइव स्टेज इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान अभी थर्ड यानी टेक ऑफ चरण में है और इस डायग्राम को बना दीजिए इंडिया भी कहां है टेक ऑफ स्टेज में और वह मुहाने पर खड़ा किनारे पर खड़ा किस चीज के यानी तकनीक के ऐसे में अगर वह तकनीक को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करता है और अपने लोगों को स्किल करता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर हाथ में तकनीक संचालित होगी यानी हम फिफ्थ स्टेज में पहुंच जाएंगे और इकोनॉमी को जबरदस्त बूम मिलेगा और जबरदस्त स्टार्टअप्स होंगे लोगों को जबरदस्त रोजगार मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे अब राइटर आगे क्या कहते हैं उसको भी आप देख लीजिएगा कि बड़ा मस्त यार गजब यूपीएससी क्या पूछा आपसे कि भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन ने अर्थव्यवस्था के अनौपचारिकरण को बढ़ाया यानी ग्लोबलाइजेशन के आने से इकोनॉमी इनफॉर्मलाइज हुई है मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ाया आपको इनफॉर्मलाइज मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर वगैरह ज्यादा होने लगे रोजगार में छटनी होने लगी आ, सरकार भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार की छटनी करने लगी और प्राइवेट सेक्टर भी ऑटोमेशन और सब चीजें अपनाने लगे। तो जब यह पूछ सकता है कि भूमंडलीकरण के कारण का। जब रोजगार में इनफॉर्मलाइजेशन हो सकता है यूपीएससी ऐसा पूछ सकता है तो क्या यूपीएससी यह नहीं पूछ सकता उभरती सॉरी उभरती तकनीकों के कारण इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के कारण अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण संभव हुआ संभव हुआ है या संभव होगा चर्चा कीजिए क्या पूछ सकता है कि नहीं मैंने क्या बोला इनफॉर्मल नहीं बोला फॉर्मल हम पढ़ने जा रहे हैं इस स्लाइड में क्या पढ़ने जा रहे हैं इस स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के कारण अर्थव्यवस्था का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है और होगा आगे और आपको अच्छे से पता है इंडिया की 90 परसेंट इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर में है अगर वो फॉर्मलाइज होना शुरू हुई तो सरकार को क्या जबरदस्त रेवेन्यू मिलेगा तो हम इंटरलिंक कर सकते हैं इतना बड़ा वाला कि अगर राजकोषीय घाटे को फिजिकल डेफिसिट को कम करना है पॉइंट को समझिएगा अगर राजकोषीय घाटे को फिजिकल डेफिसिट को कम करना है तो हमें उभरती प्रौद्योगिकी में निवेश करना है और साथ ही अपने यहां उच्च कौशल युक्त इकोसिस्टम का निर्माण करना है चर्चा कीजिए अब आप सोचिए ऑबियस है यही कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इनफॉर्मल सेक्टर तक को वो टच करेगी कैसे करेगी आइए जरा दिखाते हैं और जब इनफॉर्मल सेक्टर को टच कर जाएगी टेक्नोलॉजी ना तो सब तो रिकॉर्ड हो जाएगा अरे भाई इन फॉर्मल सेक्टर कोई रिकॉर्ड नहीं होता ना अब क्या हो जाएगा जब वो किसी स्टार्टअप के साथ कनेक्ट होगा तो उसका सारा रिकॉर्ड सारा डेटा जाएगा ना तो तो सरकार के पास भी पहुंच गया आइए समझाता हूं आपको मजा आएगा बच्चों इस पॉइंट को समझिएगा अब क्या कह रहा है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी यानी उभरती प्रौद्योगिकियां अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण में मदद कर सकती साफ साफ लिखा हुआ इसको रट लीजिएगा कैसे कर सकती हैं जरा देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डेटा करेंगे ठीक है ना और जब डेटा मिलेगा तो इसी डेटा का इस्तेमाल जो वित्तीय कंपनियां है यानी बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वो इस डेटा का उपयोग करते हुए कहां पहुंचेगी असंगठित क्षेत्र में पहुंचेंगी याद रखिएगा यानी इनफॉर्मल सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग है ठीक है उसको ये क्या करेंगी यानी कम ब्याज दर पर लो इंटरेस्ट रेट पर धन उपलब्ध कराएंगी और आप सबको पता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में लेन देन होता है क्या कर्ज का उस पर ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है इससे इनफॉर्मल सेक्टर हमेशा कर्ज में ही दबा रहता है तो अब क्या होगा कम दर पर उनको क्या मिलेगा फाइनेंस मिलेगा इससे क्या होगा ये जो इनफॉर्मल सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी उत्पादन लागत कम हो जाएगी क्या हो जाएगी इनकी उत्पादन लागत कम हो जाएगी ये लाभ में आएंगी मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा और जब ये लाभ में आएंगी तो स्वाभाविक है हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी कि नहीं होगी यानी लाभ में आएंगी तो सबके हाथ में पैसा और सरकार को उस लाभ का एक हिस्सा सरकार का रेवेन्यू बढ़ा आई होप आप समझ गए होंगे तो ये है यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी अच्छा पॉइंट है उभरती प्रौद्योगिकियां अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण में मदद कर सकती हैं इसको आप ध्यान रख लीजिएगा अब आते हैं इससे उनकी आमदनी बढ़ सकती है और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे भाई जब एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा काम करेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं रोजगार भी बढ़ रहा है याद रखिए ठीक है तो अब यहां से देख सकते हैं तो यहां पर यही कहा गया है कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर के साथ टेक्नोलॉजी कनेक्ट हो जाती है तो इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा रोजगार भी सृजित करेंगे जीडीपी में बड़ा योगदान भी करेंगे यही पॉइंट यहां पर कहा गया है अब इसके बाद आता है यहां बताया गया है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी किन किन क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन ला रही है तो एग्रीकल्चर में बताया गया याद रखिएगा उभरती प्रौद्योगिकियां आपसे प्रश्न पूछ सकता है उभरती प्रौद्योगिकियां अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन ला रही हैं तो आप बता सकते हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला रही रहे जैसे कृषि में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग से किसान क्या हो रहे हैं यानी अपनी उपज में सुधार कर रहे हैं सही समय पर सही सूचना उनको मिल रही उसके अकॉर्डिंग वो एग्रीकल्चर में इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप उनकी आय में वृद्धि हो रही है और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी उनकी मदद कर रही है आप सबको पता है तो यानी तीनों याद रखिएगा ए आई और ड्रोन का इस्तेमाल करके किसान एग्रीकल्चर में लाभान्वित हो रहे ठीक है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में भी कहा गया कि ड्रोन भारत में यानी टेक्नोलॉजी का लीडर है अगर उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाता है तो भारत को उसके बेहतर आर्थिक लाभ मिलेंगे अब आता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यहां पर भी रोबोटिक्स मेरे प्यारे बच्चों ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त मदद कर रहा है तो आप देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर तीसरा आता है फाइव टेक्नोलॉजी के तेजी के साथ उपयोग से दूर संचार क्षेत्र में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा हो गए हैं इसी प्रकार से ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में यानी पर्यटन और जो हमारा यातायात वाला पूरा सिस्टम है इसमें भी जो हमारे डिजिटल टेक्निक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी यानी बहुत ज्यादा सहूलियत हो रही है किसको टूरिज्म एंड ट्रेवल को ब्लॉकचेन होटल ट्रेवल एजेंटों तीसरे पक्ष के विक्रेताओं और विभिन्न एग्रीगेटर्स के बीच निपटान को कारगर और तेज ढंग से संपन्न कर रहा है याद रखिएगा इसके अलावा आर्टिफिशियल इसी ब्लॉक के द्वारा यानी चिकित्सा पर्यटन व्यापार पर्यटन पारिस्थितिक पर्यटन कृषि पर्यटन तीर्थयात्रा पर्यटन इन सब का दायरा भी बढ़ रहा है और यहां पर डेटा दिया गया है कि भारत में टूरिज्म याद रखिएगा भारत द्वारा पर्यटन से 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाया जा रहा है यहां से देख सकते हैं पर्यटन क्षेत्र में 137 मिलियन रोजगार भी लगा हुआ है और इसके अलावा यहां से हमें विदेशी मुद्रा भी बड़ी मात्रा में प्राप्त यानी जीडीपी भी रोजगार भी और उसके साथ साथ यानी फॉरेन करेंसी भी विदेशी मुद्रा भी तो प्रश्न आया था 2014 में आप देखेंगे ठीक है पर्यटन क्या भारत के लिए अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है आप देख सकते हैं टूरिज्म कैन दिस बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया तो आप बता सकते हैं इन्हीं तीनों डेटा के आधार पर जीडीपी डी और फॉरेन जो करेंसी इसके आधार पर आप बता सकते हैं बड़ा डेटा हो सकता है मैं बस ये यहां पर बता रहा हूं फोकस हमारा यही है कि इन सभी क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन आ रहा है याद रखेगा अब कहा गया है कि भारत के पास जी ट्वेंटी की अध्यक्षता है विश्व के बीस सबसे महत्वपूर्ण देश हिंदुस्तान में आएंगे समय समय पर ऐसे में भारत के पास एक अवसर है कि भारत को जी ट्वेंटी के माध्यम से एक टूरिस्ट हब के रूप में भी कन्वर्ट कर दिया जाए यानी टूरिस्ट इंडस्ट्री को इससे फायदा दिया जाए याद रखेगा अब आता है लीगल सेक्टर यानी विधि के क्षेत्र में कानून के क्षेत्र में आज यानी न्यायिक व्यवस्था के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने से जो है अब लीगल सेक्टर में भी उभरती टेक्नोलॉजी का महत्व तो बढ़ गया है ध्यान रखिएगा तो यही सारी बातें हैं लेखक यहां पर यही कहते हैं कि उभरती हुई टेक्नोलॉजी में इतनी संभावनाएं हैं ऐसे में हमें क्या करना चाहिए वही वाली बात जो मैंने आपको बताई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अनिम्... को हमें दूर करना है यानी हमें क्या करना है अपने लोगों को कौशल युक्त बनाना है जिससे कि वो इस उपलब्ध रोजगार को प्राप्त कर सके आई होप आपको मजा आया होगा ऐसे ही मजा हम लेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एक नई सीरीज है जो यूपीएससी वाली चर्चा पर मंडे से रात को नौ बजे होगी यह एक पेज है हिंदू अखबार का द हिंदू का डेडिकेटेड पेज फॉर यूपीएससी है जो एडिटोरियल और ओपिनियन पेज से अलग है तो उम्मीद करता हूं आप सब मेरे साथ रहेंगे अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक आता है वाई बीजिंग राइजिंग मेरी टाइम क्लाउड कॉल्स फॉर ज्वाइंट इंडिया जापान न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट गजब लिखा है इन्होंने यानी अपनी तरफ से एडिटोरियल राइटर ने कह दिया है कि चीन की वर्चस्ववादी नीतियों के कारण खासकर साउथ चाइना सी में इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में तीनों याद रखेगा इन तीनों क्षेत्रों में चीन की वर्चस्ववादी आक्रामक नीतियों के कारण भारत और जापान को किस पर यानी परमाणु पंडुब्बी बनाने की परियोजना पर सहयोग करना चाहिए यानी ये दोनों देश मिलकर के परमाणु पंडुब्बी बनाए अब आप कहेंगे सर ये क्या टॉपिक है देखिए तो टॉपिक कैसे बनता है वो हमें सिखाता है यूपीएससी आपको भी मुझे भी अब आप देखिए क्या कहा जा रहा है यानी किसी का डर पॉइंट को समझिएगा किसी का डर किसी का भय किसी का डर किसी का भय किसी का फियर ठीक है यानी चीन का डर चीन का भय चीन का फियर दो देशों को एक साथ लेकर के आ रहा है ठीक है मुद्दा तो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ही तो अब यहां पर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट कैसे होता है सबसे पहले मैं बताऊं यानी सबसे पहला तो आएगा जैसे 2020 में आपसे निबंध पूछा क्या पूछा जरा एक बार आप देख सकते हैं 2020 में आपसे निबंध पूछा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में में मौन कारक के रूप टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं पहले मैं इसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा बाकी आईक्यू आईपी बाद में आऊंगा मतलब जिससे मैं पाऊं कि आप सोचिए कि एडिटोरियल्स को अगर हम अच्छे से पढ़ते भले चार घंटे लग जाए भले चार घंटे लग जाए प्रहलाद शर्मा ने जो वन जीरो फोर रैंक थी उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म कहा था कि पहले उनको चार चार पांच पांच घंटे लग जाते थे हिंदू को पढ़ने में समझने में लेकिन समझे एक ही बार प्रीलिम्स पास किए चौथे अटेम्प्ट में तीन बार प्रीलिम्स फेल और उसके बाद बंदे ने मारा एकदम से वन जीरो बार में प्रॉपर रैंक तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिक बच्चा ये पूरा जो एडिटोरियल लिखा गया ना इसी को फोकस करके लिखा हुआ अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में टेक्नोलॉजी यानी यहां कहा गया कि बीजिंग का जो बढ़ता समुद्री दबदबा है चाहे वो साउथ चाइना सी हो चाहे वह जो है इंडो पैसिफिक रीजन हो चाहे इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर हो बीजिंग का समुद्री दबदबा बढ़ रहा है तो इस समुद्र में यानी समुद्र में काउंटर करने के लिए सबसे बड़ी युक्ति होती है परमाणु पंडुबी जो कि ना भारत के पास है ना अभी भी जापान के पास उतनी अच्छी है तो इस परमाणु पंडुब्बी को बनाए कौन भारत और जापान पॉइंट को समझिएगा तो ये क्या हो रहा है यानी भारत और जापान अब देखिएगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक है अब भारत और जापान साथ आ रहे हैं यानी यहां कहा जा रहा है कि आना चाहिए क्यों आना चाहिए ठीक है ना एक टेक्नोलॉजिकल सहयोग के लिए तो आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है तो एक पार्ट हुआ दूसरा पार्ट पूरे एडिटोरियल में जो डिस्कस किया गया वो डिस्कस किया गया कि जब क्या डिस्कस किया गया है कि भारत को लेकर के ये डिस्कस किया गया मैं सामान्य रूप में बता दूं आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं इसमें कुछ खास है नहीं जो डिस्कस किया गया मैं यही बता देता हूं डिस्कस ये किया गया कि क्वाड में हम यानी भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सहयोगी हैं परंतु भारत की विदेश नीति के साम, भारत की विदेश नीति को एक झटका उस समय लगा जब बिना भारत को किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन दिए बिना किसी प्रकार की भारत को सूचना दिए हुए आकस का गठन कर लिया गया वो भी एशिया पैसिफिक रीजन में ही यानी किसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस के द्वारा जिसे हम कहते हैं ऑकस जिस पर यूपीएससी ने आपसे प्रश्न भी पूछा कब पूछा एक बार जरा देख लेते हैं कब पूछा कब पूछा कब पूछा कब पूछा, कब पूछा कहां गया भाई मिल या, मिल दो हजार इक्कीस में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्रीय साझेदारी आकुश का उद्देश्य है आप देख सकते हैं एडिटोरियल राइटर ने इसी को पकड़ा ठीक है एडिटोरियल राइटर ने इसी को पकड़ा कि इसी को पकड़ा हुआ ठीक है और इसी को पकड़ते हुए कहते हैं कि आकस का गठन किया गया और आकस का गठन करने के बाद क्या किया गया टेक्नोलॉजी देखिएगा आकस का गठन किया गया और उसके बाद ऑकस में जैसे ऑस्ट्रेलिया है ठीक है ना तो ऑस्ट्रेलिया को एशिया पैसिफिक रीजन में चीन का मुकाबला करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन दी गई क्या दी गई यानी परमाणु पनडुब्बी दी गई न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बी दी गई सॉरी न्यूक्लियर सम्मीन दी गई ठीक है तो यह कहा गया कि भारत को बिना सूचना दिए किया गया और ऐसा इसलिए किया गया रीजन भी बताया गया उन्होंने बताया कि एक मतलब अब ऐसा नहीं कि इसीलिए किया गया उन्होंने कहा एक संभावना है ऐसा इसलिए किया गया कि अमेरिका को यह विश्वास नहीं था कि भारत जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा उसका करीबी हो सकता है और उसके पीछे रीजन भी था कि क्वाड को अमेरिका क्वाड को मतलब क्वाड का अमेरिका सैन्यकरण करना चाहता है फैक्ट है अमेरिका क्वाड का करन करना चाहता है यानी वो चाहता है मिलिट्री टाइप हो जाए लेकिन भारत उसके मिलिट्री टाइप करने के पक्ष में नहीं उसके पीछे रीजन है कि भारत की मजबूरी चाइना के साथ हमारी इतनी बड़ी सीमा है चाइना और आक्रामक होगा अगर ऐसा किया जाता है तो ठीक है और आपको अच्छे से पता है कि पड़ोसी अगर आपका दुश्मन है तो आपका विकास कभी हो नहीं सकता ये फिक्स है क्योंकि वो आपको हमेशा उलझाए रखेगा और आप कोई काम अच्छा कर नहीं पाएंगे तो यहां पर उन्होंने उठाया और फिर उसके बाद एडिटोरियल राइटर ने इसी पॉइंट को पकड़ लिया जो न्यूक्लियर सबमरीन किसको दी गई ऑस्ट्रेलिया को और इन्होंने बताया ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है पॉइंट को समझिएगा तो पहले अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में टेक्नोलॉजी देख सकते हैं यानी आकस के गठन में टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही यानी न्यूक्लियर सब मरीन दिया गया वो भी यहां पर एग्जाम्पल में आ गया चलो ये तो हो गया अब इसके बाद ये कहा गया कि ये जो न्यूक्लियर सब मरीन है बड़ी ही मतलब जो अमेरिका है जो जापान सॉरी यूके है यूनाइटेड किंगडम इनके पास न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी सबसे हाई क्लास इतनी हाई क्लास न्यूक्लियर सब टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं और भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत है लेकिन हिंदुस्तान ने को अमेरिका ने कभी भी इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं दी इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं दी कई समझौते हुए लेकिन जो इस, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी होती वो हिंदुस्तान को उसने कभी नहीं दी ठीक है तो इसका मतलब है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसने क्यों नहीं दिए उसके पीछे रीजन यही बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वाशिंगटन यूपीएससी ने भी पूछा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वाशिंगटन अभी भी भारत को लेकर के स्पष्ट नहीं है कि उसको क्या स्थान दिया जाए तो हो गया अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में टेक्नोलॉजी बार बार आ रही तो उन्होंने कहा कि यूके और यूएस की जो न्यूक्लियर सब टेक्नोलॉजी बड़ी ही हाई क्लास है यानी वो 95 फाइव परसेंट इनरिच यूरेनियम से चलती है पॉइंट को समझिए यानी जो ये न्यूक्लियर सबमरीन है तो जिस ईंधन से चल रही 95 है वो है यानी वो उसको रुकने की जरूरत नहीं है वो लगातार चल सकती है ठीक है और जबकि जो अन्य न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं वो दस दिन तक ही एक साथ चल सकती उनको रोकना पड़ता है नहीं? इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हिंदुस्तान को उसकी नीड थी लेकिन इन्होंने तो कनेक्ट हो रहा है भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव तो विकसित देश अमेरिका है उसकी नीति का इंडिया पर क्या इंपैक्ट देखिए 2019 में आईआर में क्वेश्चन भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज कर पाने में विफलता है जो भारत के आत्मसमाधान और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए यानी आज भी वाशिंगटन इंडिया को वह स्थान नहीं दे पाया है जो भारत को यानी उम्मीद है कि अमेरिका उसे देगा तो आप देख सकते हैं आज हम न्यूक्लियर सबमरीन वाले मुद्दे पर और आकस वाले मुद्दे पर कि भारत को बिना सूचना दी हुए जबकि भारत अमेरिका का एक घनिष्ठ सहयोगी है एशिया प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक वातावरण में स्ट्रेटिक फोरम में क्वाड के माध्यम से लेकिन भारत को बिना सूचना दिए या किसी प्रकार से भारत को जोड़े हुए उन्होंने आकस का गठन कर लिया तो इसका मतलब है वाशिंगटन भारत को देकर के किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं है आकस का गठन इस बात को प्रमाणित करता है न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को संपन्न करना और हिंदुस्तान को उससे वंचित करना यह भी इस बात को स्पष्ट करता है ध्यान रखिएगा तो इस प्रकार के प्रश्न पर आपको मिल रहे हैं आप यही सारी बातें हैं हैं पर देख सकते ठीक है आप इसको पढ़ लीजिएगा बाकी इसमें कुछ भी नहीं जो मैंने कहानी बताई यही कहानी लिखी हुई है आपको आ जाएगा मजा क्या आ जाएगा आपको आ जाएगा मजा और दो पॉइंट और जैसे साउथ

एडिटोरियल राइटर ने कहा कि समय की आवश्यकता है इन तीनों क्षेत्रों में चाइना आक्रामक है तो जो सब भारत और जापान को सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए तो एक सुझाव हो गया ठीक है तो आप इसको यानी साउथ चाइना सी वगैरह पर कुछ भी लिखें तो आप यहां से यूज कर सकते हैं बाकी इसमें कुछ भी नहीं ठीक है ना ठीक है तो ये, ये देख सकते हैं आकुस को उन्होंने कहा है वट इज द आकस ये सब आपको बता दिया मैंने ठीक है आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं ठीक है बच्चे तो इसको आप खुद कर लेंगे बाकी इसमें कुछ भी नहीं ठीक है सब आपको कराया गया है इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं जो बताना था मैंने बता दिया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा एडिटोरियल लेते हैं तीसरा एडिटोरियल है इन यूएस एक्शन द वरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस अमेरिकी कार्रवाईओं में वैश्विक व्यापार अराजकता की चिंता यह बहुत बढ़िया आज का सबसे फेवरेट टॉपिक है दोनों भी बहुत अच्छे हैं बट यह भी बहुत फेवरेट है यानी अमेरिका की नीतियों से वैश्विक अराजकता फैल सकती है तो आपको पता होना चाहिए पहले यार अमेरिका की नीति क्या पहले एक बार अमेरिका की नीति पहले देख लेते हैं और फिर अराजकता अपने आप में समझा दूंगा ठीक है और एक निबंध से यहां शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले अनुशासन का अर्थ है सफलता क्या है डिसिप्लिन मीन्स सक्सेस अनुशासन का अर्थ है सफलता अनुशासन का अर्थ है सफलता और अराजकता का अर्थ है अराजकता का अर्थ है अराजकता का अर्थ है विनाश क्या है अराजकता का अर्थ विनाश तो मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका ने जो अभी एक्शन किया है वो अराजकता है बिल्कुल सही बात है और यह विनाश को जन्म देगा किस प्रकार के विनाश को तो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय संगठन की नीतियां होती हैं जैसे डब्ल्यू हुआ आई एम हुआ वर्ल्ड बैंक हुआ यहां हम डब्लू पढ़ने जा रहे हैं तो डब्ल्यू के डिसीजन को अमेरिका ने अनसुना कर दिया है और कहा है कि डब्ल्यू का यह जो डिसीजन हमारे ऊपर आया है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैक्स के प्रावधानों के प्रावधानों यानी गैट का गैट के स्थान पर अब आ चुका है लेकिन गैट का ही उल्लंघन अमेरिका ने किया और उसने क्या किया जरा ध्यान से पहले पढ़ते हैं क्या किया आइए जरा देखते हैं यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान स्टील पर 25 परसेंट और एल्यूमिनियम पर 10 परसेंट मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने टैरिफ लगा दिया था क्या लगा दिया था टैरिफ लगा दिया था और इस टैरिफ के अगेंस्ट चाइना ने नॉर्वे ने स्वीडनलैंड ने और तुर्की ने डब्लू में अपील की तो डब्ल्यू के पैनल ने एक अपना फैसला सुनाया और कहा कि ये जब आपने स्टील पर 25 परसेंट और एल्यूमिनियम पर जो 10 परसेंट का टैरिफ लगाया है ये डब्ल्यू कानून का उल्लंघन है यानी आई होप आप मुद्दा समझ गए तो ये डब्ल्यू कानून का उल्लंघन है उसके कानून के साथ असंगत है अब देखिएगा असंगत है असंगत है असंगत है अब यहां पर आइए एन पहले एक लाइन पढ़ा दो फिर आता हूं यूएस रिजेक्ट फ्लॉड डब्ल्यू रूलिंग अगेंस्ट स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ देख लीजिए आप यानी प्रशासन ने डब्ल्यू पैनल के फैसले को त्रुटिपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया क्या कहा फ्लॉड है ये क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों फ्लॉड है और इसे त्रुटिपूर्ण करार दिया गया यानी कहा गया कि ये सही नहीं और अब यूएस जो इलीगल टैरिफ रेट है उसको नहीं हटाएगा आप यहां से देख सकते ठीक है अभी हम इसको और भी पढ़ाएंगे तो सबसे पहले यानी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं देखिए सबसे ज्यादा होता है ना आप उसको कैसे इंटरलिंक करेंगे उसको कैसे कोरिलेट करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो क्या हो गया अनुशासन का अर्थ है सफलता और अराजकता का अर्थ है बिना देख लीजिए लिखा हुआ ना अमेरिकी कार्रवाई में वैश्विक व्यापार अराजकता की चिंता तो इसका मतलब है आप यह जो न्यूज है उस न्यूज को लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे कि डब्ल्यू के निर्णय के विरुद्ध अमेरिका ने जो यह कदम उठाया है वो क्या है यानी वह यानी अमेरिका ने जो एक्शन लिया है वो क्या है यानी डब्ल्यू के नियम कानूनों का उल्लंघन है और उसने एक एग्जाम्पल कर दिया है कि कोई भी देश जब चाहे इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नियम कानूनों का अपने ढंग से इवेल्यूएशन करके और उसको बेकार या त्रुटिपूर्ण घोषित कर सकता अगर सभी लोग ऐसा करने लगेंगे तो क्या होगा अराजकता आ जाएगी कि नहीं यानी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जो संपूर्ण विश्व का एक बेहतर शासन चलता है डब्ल्यू के द्वारा आई के द्वारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा यूएन की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा वहां अराजकता आएगी तो आप अनुशासन करते सफलता अराजकता करते विनाश यहां पर आप क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं ध्यान रखिएगा जबरदस्त रूप से आप इसको यहां पर यूज कर सकते हैं। तो मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा आइए बढ़ते हैं अब इसको मैंने लगाया जीएसटू आई के लिए तो रहेगा महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान संस्थाएं तो संस्थाएं या संस्थान यानी डब्ल्यूटीओ और उनका जो मैंडेट यानी डब्ल्यू के पास पावर है कि व्यापार को डिस्टॉर्ट करने वाली विरूपित करने वाली कोई भी कार्रवाई यानी व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को खराब करने वाला कमजोर करने वाला विरूपित करने वाला डिस्टॉर्ट करने वाला कोई भी एक्शन किसी भी सदस्य देश यानी जो डब्ल्यूटीओ का सदस्य है उस देश के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने की शक्ति का मैंडेट डब्ल्यूटीओ के पास है तो आप देख सकते हैं डब्ल्यूटीओ अब इसके साथ साथ और अमेरिका ने क्या कर दिया आपको पता है तो बताने की जरूरत नहीं अलग से उसको किसी प्रश्न में हम उसको यूज कर लेंगे अब एक प्रश्न भी आया था देखिए 2018 में टू में यदि व्यापार युद्ध के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन को जिंदा बने रहना है तो उसके सुधार के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए तो अभी हम दो मिनट के लिए भारत के इंटरेस्ट को छोड़ दें व्हाट आर द की एरिया ऑफ रिफॉर्म इफ द डब्लू हैज टू सरवाइव इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स ऑफ ट्रेड वॉर तो यार गजब मतलब इस प्रश्न में कह रहा है कि डब्ल्यू टी ओ कैसे जिंदा बना रह सकेगा जबकि ट्रेड वॉर चला है ट्रेड वार मतलब चाइना का माल गया अमेरिका अमेरिका ने कहा तुम्हारे माल पर हम लगाएंगे टैरिफ टैरिफ और उसने आधार आधार भी दिया दिया ऐसे कोई नहीं लगा आधार दिया, नेशनल नहीं नेशनल इंटरेस्ट में है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्टील और एल्यूमिनियम का अगर हमारे यहां ज्यादा इंप, मतलब इंपोर्ट हो जाएगा तो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चर यानी अमेरिका के जो स्थानीय निर्माता उनको नुकसान हो जाएगा अच्छी बात है अमेरिका ने इस आधार पर लगा दिया नेशनल इंटरेस्ट शब्द या नेशनल सिक्योरिटी शब्द याद रखेगा अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर यह जो टैरिफ लगाया था पॉइंट को समझिएगा ठीक है तो चाइना ने भी लगा दिया और फिर कई अन्य देशों में भी इसी प्रकार की पहल शुरू हुई तो भाई जबकि डब्ल्यूटीओ का मैंडेट है डब्ल्यूटीओ का गठन ही इसलिए किया गया है कि विश्व व्यापार को डिस्टोर्ट करने वाली विरूपित करने वाली कोई भी गतिविधि ना हो तो जब डब्ल्यूटीओ कहता है कि एक लिमिट से ज्यादा टैरिफ आप लगा नहीं सकते तो फिर आप क्यों लगा रहे भाई तो इसका मतलब है कि डब्ल्यू को आप कमजोर कर रहे हैं तो अब इस एग्जाम्पल में है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो अट्ठारह के क्वेश्चन में डब्ल्यूटीओ ने डब्ल्यूटीओ ने वर्तमान व्यापार युद्ध के परिदृश्य में अपने आप को जिंदा बनाए रखने के लिए जो एक्शन लिया है यानी जो अमेरिका से कहा है कि तुम जो स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगा रहे हो वह डब्लू के कानून के साथ असंगत है इनकंसिस्टेंट है किसके साथ डब्लू के कानून के साथ इसका मतलब वो जिंदा रहने का प्रयास है डब्ल्यू तो टीओ की रेलिवेंसी पर कोई प्रश्न है क्या डब्ल्यू टीओ यानी फ्यूचर में प्रश्न आता है प्रासंगिक है तो ये एग्जाम्पल वहां भी चेप दीजिएगा बिल्कुल प्रासंगिक कम से कम बोला तो कम से कम बोला तो, तो आप यहां से देख सकते हैं तो यहां पर भी यूज हो जाएगा अब इसके बाद ये तो हो गया आई आर में इसका यूज हो रहा है अब दूसरा आता है बच्चों जीएस पेपर फोर यानी इंटरनेशनल इथिक्स यानी अंतरराष्ट्रीय नैतिकता यूनिट सिक्स है ना अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं फंडिंग में नैतिकता याद है यूनिट सिक्स जीएस पेपर फोर अब इथिक्स में अगर आप जाते हैं तो प्रश्न वही कई बार ये प्रश्न मैं करा चुका हूं लेकिन रेलिवेंट है तो कराना पड़ेगा 2014 में पूछा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध अब जैसे हम यहां भारत सॉरी हम यहां पर यूएस और चीन का एक एग्जाम्पल लेने ले। इनके संबंध अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान के बिना स्वयं के राष्ट्रीय हित की प्रोन्नति करने की नीति के द्वारा नियंत्रित होते यानी स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका से बहुत से देशों से भारत भी भेजता है ठीक है ना स्टील और एल्यूमिनियम तो अब क्या कर रहा है अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान किए बिना यानी अब अगर आप अपने यहां टैरिफ लगा देंगे टेन परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट तो क्या हो जाए इसका मतलब अन्य राष्ट्रों के हितों का आप सम्मान नहीं कर रहे केवल स्वयं के राष्ट्रीय हितों का को उन्नत कर रहे हैं अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ा रहा है जैसा उसने कहा है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से स्टील और एल्यूमिनियम का ज्यादा इंपोर्ट होना अच्छा नहीं है अब आता इससे राष्ट्रों के बीच और तनाव उत्पन्न होते होते आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होते हैं क्योंकि इसी को व्यापार युद्ध कहा गया था ट्रेड वॉर कहा गया था क्या कहा गया था ट्रेड वॉर कहा गया था इससे राष्ट्रों के बीच द्वंद और तनाव उत्पन्न होते हैं अब कह रहा ऐसे तनाव के समाधान में नैतिक विचार किस प्रकार सहायक हो सकता बिल्कुल भाई यानी नैतिकता क्या कहती है देश काल परिस्थिति टाइम कंट्री सिचुएशन में किसी भी देश काल परिस्थिति में साधन एवं साध्य पवित्र होने चाहिए मीन्स एंड एंड्स दोनों हमारे प्योर होना चाहिए हमारा मीन्स जो है वो हमेशा ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए एक व्यक्ति का कल्याण नहीं बहुत से व्यक्तियों का कल्याण होना चाहिए और उस एक्शन से सत्य की शुभ की उचित की वांछनीय की स्थापना होनी चाहिए आई होप आप इसको समझ गए हैं किसकी स्थापना होनी चाहिए सत्य की शुभ की उचित की, की? वाचनीय तो अगर अमेरिका नैतिकता के साथ चलेगा तो वह डब्ल्यूटीओ के सिद्धांत के की रूलिंग को अपनाएगा यानी डब्ल्यू ने जो रूल यहां पर दिया है उसको अपनाएगा तो यहां पर भी आप अमेरिका का जो आचरण है इंटरनेशनल इथिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है यह पॉइंट आप डाल करके और चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं कैसा लगा टॉपिक मजा आएगा नहीं सोचो क्या मस्त एडिटोरियल्स आते हैं अगर आपकी समझ अच्छी हो तो मतलब जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो बच्चा होता है ना एक एक साढ़े चार बजे से लेकर के बजे तक एक बार यानी फाइनल उसमें करेक्शन लगवाता हूं बच्चे प्रूफ रीडिंग भी करता हूं ये इसको हटाओ इसको करो ये करो तो उस टाइम पर सब बच्चे भी हंसते जो मेरे साथ काम करते बच्चे

कोई भी मेंटोरशिप नहीं है और धुआंधार यूट्यूब चल रहा है तो उनको एक समस्या हो जाती और जिन बच्चों के भाई थोड़ा पेरेंटिंग अच्छी हो गई थोड़ा सा बैकग्राउंड उनके आसपास के लोग सेलेक्ट हुए हों रहे हों तो थोड़ा सा उनका निकलने का चांस ज्यादा हो जाता है उसके पीछे रीजन है क्योंकि उनको ये बातें पहले ही बता दी जाती करंट अफेयर्स पूरा यूपीएससी आप चाहें तो करंट अफेयर्स के दम से निकाल सकते केवल आप ऑप्शनल पे मेहनत करिए बस ठीक है सहमत है कि नहीं आप लोग ठीक है तो बच्चे हो गया व्हाट इज द न्यूज सब बच्चों को पता लग गया यानी अमेरिका का हो गया डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था बताने की आवश्यकता नहीं उसी समय अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्थापित हुआ था देखिए अट्ठारह में लगाया था और अट्ठारह में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा देख लो यहां पर मतलब आपको करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है जरा देखिए आप लोग करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर देख रहे हो 2018 में क्वेश्चन पूछा ना व्यापार युद्ध ट्रेड वॉर पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया ट्रेड वॉर ट्रेड वॉर और क्यों पूछ लिया क्योंकि 2018 में ही देख सकते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर 2018-19 ठीक है ना 2018 में ही मई महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लगा दिया था देख सकते हैं स्टील और अल्यूमिनियम पर टैरिफ और मई में आपको पता है प्रीलिम्स का टाइम होता है उसी समय टैरिफ लगा और मेंस के टाइम पे पर अगस्त सितंबर में जब मेंस होता है उठा करके मेंस में पूछ लिया आप सोचिए करंट से कितना अपडेट रहना ठीक और लंबी चर्चा का हिस्सा बनना ये 20 मिनट वाला तो मुझे समझ में नहीं आता ठीक है अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं ठीक है तो ये हो गया और ये इसलिए लगाया गया था कि जो इनके लोकल मैन्युफैक्चर यानी अमेरिका के अंदर जो स्टील और एल्यूमिनियम का काम कर रहे हैं अब जो कंपनियां हैं उन्हीं से खरीदेंगी तो उनको लाभ होगा तो आप देख सकते हैं अब आता है कि ये किस चीज का वायलेशन था किस चीज का उल्लंघन था तो यहां पर डब्ल्यूटीओ के जो पैनलिस्ट थे यानी डब्ल्यूटीओ के जो पैनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जो टैरिफ रेट बढ़ा दिया है यह किसका उल्लंघन है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी गैट का मेरे प्यारे बच्चों किसका गैट का टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौते का उल्लंघन है ठीक है अब आपको पता होना चाहिए गैट में क्या कहा जाता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में कहा गया देखिए नाम ही है ना टैरिफ टैरिफ यही टेरिफ ट्रंप ने बढ़ाया था ठीक है ना तो इसमें कहा जाता है गैट में कहा गया कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा टैरिफ आप नहीं बढ़ा सकते गैट के नियमों के अनुसार एक निश्चित सीमा से ज्यादा टैरिफ आप नहीं बढ़ा सकते अमेरिका ने निश्चित सीमा से ज्यादा टैरिफ बढ़ाया इसीलिए डब्ल्यूटीओ का यह डिसीजन आया ठीक है अब यूएसए ने आर्गूमेंट किया यूएसए भी छोड़ेगा नहीं यूएसए कहा ऐसा है कि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए ऐसा करें ठीक है ना अब आप यहां से देख हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है ठीक है वो कह रहे हैं कि भैया हमने टैरिफ रेट इसलिए बनाया था बढ़ाया था कि अगर हम टैरिफ रेट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी मार्केट में बाहर का स्टील एल्यूमिनियम भर जाएगा जिसकी नीड नहीं है उन्होंने साफ कहा हम राष्ट्रीय सुरक्षा के एवज में ऐसा करें कर रहे हैं याद रखें ठीक है कि पूरे विश्व में एल्यूमिनियम और ट्रेड बड़ी मात्रा में सब हमारे यहां आ जाएगा इन्होंने कहा हम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहे हैं अब आपके मन में आएगा कि ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने गैट के ही एक जो है प्रावधान का सहारा लिया आर्टिकल ट्वेंटी वन बी थ्री रट लीजिएगा इसको आर्टिकल ट्वेंटी वन बी थ्री देखो जिनको रैंक लगानी है ना जिनको टॉप करना है जिनको रैंक लगानी है इन इस, इस सब चीजों को रटेंगे आप टॉप कर सकते हैं आप कहां से पढ़ें किससे पढ़ें कोई मतलब नहीं करता जिद है और कंटेंट को यूज करने की कला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं आर्टिकल ट्वेंटी मेरे प्यारे बच्चों ये क्या कहता है जरा देख लीजिएगा क्या कहता है आर्टिकल इक्कीस बी थ्री गेट ये क्या कहता है आपात स्थिति के समय अब आप देखिएगा क्या है यानी अगर कोई आपात स्थिति है इमरजेंसी कंडीशन है इमरजेंसी जैसे युद्ध युद्ध वगैरह की स्थिति हो या वहां पर मतलब एकदम से किसी चीज की बिल्कुल कमी ही हो गई हो या कोई चीज बहुत एक्सेस हो गया हो इस टाइप का तो एक इमरजेंसी की कंडीशन में गैट का यह क्लॉज कहता है कि आप टैरिफ बढ़ा सकते ठीक है तो अमेरिका ने कहा हमने तो इसके आधार पर बढ़ाया तो डब्ल्यूटीओ की ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने जो पैनल बनाया था डब्ल्यूटीओ में कोई भी मुद्दा आता है बच्चों पीटी के लिए याद रखिएगा तो उस कोई भी विवाद जो होता है उसका निपटान कौन करता है डब्ल्यूटीओ की ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी ट्रेड यानी व्यापार विवाद निपटान निकाय ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ध्यान रखिएगा तो वो क्या करती है एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाती यानी और फिर वही डिसीजन करता है तो फिर इस पैनल ने रिजेक्ट कर दिया दिया यानी की ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पैनल ने रिजेक्ट कर कहा ये तुम गलत कह रहे हो उन्होंने कहा कि तुम जो ये कह रहे हो याद ये की है नहीं। तो आप, आप, आप यह तो आपातकाल स्थिति है, है तो भैया जो बड़ा होता जो ताकतवर होता क्या कहता आपका बड़ा भाई हो तो क्या कहेगा जैसे आप खेल खेल रहे हो बड़ा आपको जिद करेंगे बड़ा भाई एक थप्पड़ मार देगा देखिए मार दिया बाइडन प्रशासन आता है कहता है कि डब्ल्यूटीओ का जो पैनल है उसने जो फैसला दिया त्रुटिपूर्ण है और वह जो टैरिफ रेट है उसको नहीं हटाएगा अब यहां पर एडि, एडिटोरियल राइटर ने ही लिख दिया कि यह एथिकल कंसर्न है आप देख सकते हैं यानी यह एक नैतिक चिंता है क्या है नैतिक चिंता है और नैतिक चिंता क्यों है कि अगर एक जिम्मेदार एक बड़ा राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र अगर डब्ल्यू के नियम कायदों का उल्लंघन करेगा कल को और देश भी उल्लंघन करेंगे तो आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अराजकता की स्थिति बन पाएगी या बन जाएगी इसीलिए इसको कहते हैं कि यह एक अनएथिकल प्रैक्टिस है एक अनैतिक कार्य है और इसको आप एथिक्स में यूज कर लीजिएगा कैसा लगा मजा आया कि नहीं मजा आया बच्चे मजा आया कि नहीं मजा आया तो आप सोचिए कैसे कैसे घुमा के यूपीएससी को पकड़ लेना और मैं बार बार कह रहा हूं कि GS, सब यही है ऑप्शनल एसे द हिंदू और प्रीलिम्स पांच चीज ये पांच ऑप्शनल इथिक्स एसे द हिंदू और उसके बाद प्रीलिम्स यही आप करिए और जो वर्किंग है आप तो बिलीव करिए कि आप लोगों के लिए भगवान ने समझिए एक अवसर दिया क्योंकि जो बच्चे कंप्लीट पढ़ाई करते हैं वो मतलब वो थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं वो कर लेते हैं एक कोचिंग फिर अगली कोचिंग क्योंकि समय के साथ वो करते करते हैं लेकिन जो जॉब वाले आप और जो हाउस वाइफ्स हैं आप आप सबके लिए तो बच्चा एकदम अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है आप सबके लिए तो अपॉर्चुनिटी क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है तो आप केवल ऑप्शनल पढ़िए इथिक्स पढ़िए ऐसे पढ़िए और अभी इथिक्स और ऐसे साल भर पढ़ने की जरूरत नहीं इथिक्स और ऐसे तो आपका तीन महीने में खत्म हो जाएगा अरे भाई YouTube पर वीडियो पर मेरे हैं कि इथिक्स कैसे पढ़ें ऐसे कैसे पढ़ें सीख लिया उसके बाद यहां से एग्जाम्पल्स केवल लगाते चले जाइए उसके बाद ऑप्शनल पढ़िए साल भर साल भर ऑप्शनल भगवान है ना ऑप्शनल ऑप्शनल साल भर हिंदू चल ही रहा है और केवल प्रीलिम्स यानी डे वन से प्रीलिम्स की तैयारी चालू एडमिशन लिया नहीं पढ़ना चालू कोई रोक के दिखाए एग्जाम ठीक है और जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया इस बार एक बच्चे पर एम डॉक्टर पर अगर वो सिलेक्ट हो जाती हैं तो शायद मैंने तो अपने प्लस के बच्चों से कहा भी था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट पहले भी सफल रहा लेकिन ये मेरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था यानी इस बच्चे के ऊपर सौ प्रतिशत मेरी स्ट्रेटजी लगी थी सौ माने सौ एक परसेंट भी नहीं यानी अगर एग्रीकल्चर पढ़ना भी है तो कहां पढ़ना कैसे पढ़ना वो भी मैंने ही डिसाइड किया था तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो समझिए फिर तो हम लोगों की बल्ले बल्ले हालांकि इंटरव्यू कॉल हुई गई है लेकिन आगे ईश्वर करें रिशेपिंग द वर्ड्स रेस्पॉन्स टू द टेरर मैट्रिक्स ठीक है आतंक मैट्रिक्स के लिए दुनिया की प्रक्रिया प्रतिक्रियाओं को फिर से आकार देना मैं यहां पर आपको जो बताने जा रहा हूं लिखा हुआ आपको पढ़ लेना बच्चों यहां पर पूरे एडिटोरियल में सबसे पहली बात आएगा आएगा कहां ये आतंकवाद जीएस थ्री इंटरनल सिक्योरिटी में ठीक है आंतरिक सुरक्षा तो आप ध्यान रखिएगा मैं बस इस क्वेश्चन को बता के और सारा कॉन्सेप्ट आपको यही बता दूंगा जिससे आपको आ जाएगा मजा द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ इमरजेंस ऑफ क्या है द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू एज टेरिज्म रेलिवेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म फर्स्ट प्रपोज बाई इंडिया इन नाइनटीन नाइनटीज क्या है भैया नए युग के आतंकवाद के उद्भव अब मुझे बताइए अगर यही प्रश्न आपसे पूछ लिया नए युग का आतंकवाद क्या है? इन्होंने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया नए युग का आतंकवाद नए युग के आतंकवाद के उद्भव का वर्तमान प्रदृश्य ठीक है ना के परिप्रेक्ष्य में 1990 के दशक में भारत द्वारा पहली बार प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन की प्रासंगिकता पर चर्चा करी यानी हम पढ़ने जा रहे हैं आतंकवाद एडिटोरियल राइटर ने कहा भैया आतंकवाद का जो वर्तमान प्रदृश्य है वो क्या हो रहा है छोटे यानी जैसे अलकायदा है तो अलकायदा से जुड़े हुए छोटे छोटे समूह जिनके मतलब संगठन का कोई नाम भी नहीं वो लोग अब आतंकी एक्शन कर रहे हैं यानी और सरकारों का फोकस किस पर है अलकायदा पर जैस पर या ऐसे ही बड़े बड़े आतंकी संगठनों पर लेकिन अब जो वर्तमान आतंकी गतिविधियां हो रही हैं जिसकी उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है ध्यान रखिएगा ठीक है ना ये यहां पर जैसे ये तो मान लीजिए जै, ये जैसे पेरिस में चार्ली हेब्डो के कार्यालय पर हमला ट्यूनिस में बाडो संग्रहालय पर हमला इस्तांबुल हमला पेरिस में हमला ये सब क्या है यानी ये कौन कर रहे हैं ये नए युग के आतंकी हमले जिसमें बड़े बड़े संगठनों से ही निकले हुए छोटे छोटे समूह कर रहे हैं तो एडिटोरियल राइटर का कहना है कि नए युग के आतंक में बड़े संगठनों की विचारधारा से प्रभावित छोटे छोटे समूह निकल करके आए हैं हमें हमारा फोकस इन पर होना चाहिए लेकिन अभी भी सरकारें किस पर फोकस कर रही हैं बड़े बड़े आतंकी संगठनों पर तो उन पर भी फोकस करें लेकिन जो ये बड़े बड़े आतंक आतंकी संगठनों से निकले हुए छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो बिना किसी नाम के आतंकी गतिविधियों को संचालित करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं उन पर हमें एक्शन करना चाहिए और उस पर एक्शन करने का सबसे बड़ा जो तरीका होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल टेरिज्म उन्नीस में भारत ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन लाने का एक प्रस्ताव दिया था और जिसका उद्देश्य था सभी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का अपराधीकरण ठीक है तो यही है ये यह भारत लेकर के आया था उन्नीस में मतलब एडिटोरियल राइटर कहना चाह रहे हैं कि अगर हम वैश्विक आतंकवाद को नियंत्रित करना चाहते हैं तो भारत की इस पहल कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल टेरिज्म को हमें आगे लाना होगा इसको स्वीकार करना होगा और इसमें कहा गया है कि यानी बहुत सी बातें कही गई हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है मैं बता रहा हूं तो पहला ये कहा गया भाई आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा होनी चाहिए क्या है यानी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होनी चाहिए अभी जैसे अमेरिका में हमला हुआ तो उन्होंने कह दिया गुड टेरर बैड टेरर तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए इसको रट लीजिएगा यानी भारत का क्या क्या प्रस्ताव है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल भारत के क्या, क्या प्रस्ताव है तो आप देख सकते हैं आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा हो जिससे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सभी सदस्य स्वीकार करें यह होना चाहिए इसके अलावा कोई भी आतंकी समूह उस पर प्रतिबंध लगाया जाए आतंकी शिविरों को हर जगह से बंद किया जाए विशेष कानून बनाए जाए उन कानूनों के तहत आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए यानी विशेष कानूनों सामान्य कानून ना हो जैसे हिंदुस्तान का अनलाफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इसके अलावा सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ प्रत्यर्पण की व्यवस्था हो कि जैसे हमारे यहां कोई आतंकी घटना करके बाहर गया तो उसको हम क्या करें यानी अमेरिका में है तो उसको हम अमेरिका से इजिली मंगा सके नहीं तो अभी देखिए दाऊद वगैरह पता चलता है कि यानी अरब कंट्रीज में है कहां है लेकिन मंगा नहीं सकते आप क्योंकि प्रत्यर्पण की कोई व्यवस्था नहीं है तो ये रहा आज का ये वाला टॉपिक अब अब आते हैं वन लाइनर पर क्या क्या है है इंडिया एंड चाइना टू कीप डायलॉग चैनल ओपन सत्रहवें राउंड की सीनियर लेवल मिलिट्री बातचीत हुई है याद रख लीजिएगा यह महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि जैसे तावांग के बाद यानी तावांग में जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में एक, एक क्लैश हुआ था एक झगड़ा हुआ था उसके बाद पहली बार यानी एक ऐसा स्टेटमेंट आया जो पॉजिटिव है कि उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में जो कि 20 दिसंबर को हुई थी इसमें दोनों देशों की तरफ से कहा गया है कि इंडिया और चाइना बातचीत के सभी चैनल ओपन रखेंगे ठीक है यानी वो बातचीत के सभी चैनल ओपन रखेंगे तो ठीक है एक आपको ये पता होना चाहिए तवांग के बाद यह भी एक स्टेटमेंट आया था यानी पॉजिटिव चीज भी आई थी अब इसके बाद आते हैं एयरपोर्ट्स पर अब देखिए कोविड का खतरा फिर से आ गया है तो एयरपोर्ट्स पर अब यानी क्या किया जाएगा दो प्रतिशत जो भी इंटरनेशनल यात्री आएंगे दो प्रतिशत सभी का नहीं रैंडमली उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा तो बस केवल आपको बताने के लिए अब इसके बाद म्यांमार के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में म्यांमार को लेकर के एक प्रस्ताव लाया गया और म्यांमार के सैन्य प्रशासन की आलोचना की गई कि वह सैन्य प्रशासन मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर रहा है लेकिन भारत जो है इस रेजोल्यूशन से अपस्टैंड रहा ना उसने विरोध किया ना उसका समर्थन किया और ऐसा ही रशिया ने भी किया था ऐसा ही चाइना ने किया था तो अब आप देख सकते हैं इसका अर्थ क्या इसका अर्थ यह है कि म्यांमार देखिए क्या होता है किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति जैसे हमने म्यांमार की जुंटा मतलब जो मिलिट्री सरकार है उसका समर्थन किया एक प्रकार से हालांकि हमने खुल के वहां यह नहीं कहा लेकिन चुप रहना क्या है भाई मिलिट्री गलत तो है ही है ये लेकिन हमने समर्थन किया चुप रहते हुए रीजन क्या है रीजन वही है जैसे जब आप आईआर पढ़ते हैं तो उसमें आता है किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले बहुत से फैक्टर्स होते हैं तो उन्हीं में से एक फैक्टर कौन सा होता है उन्हीं में से एक फैक्टर होता है यानी आपकी सीमा आपकी जो बाउंड्री होती है वो कैसी है अगर अमेरिका और कनेडा की तरह है तो मस्त है और हमारे यहाँ क्या हमारी तो पूरी सीमा ही विवादित है और पोरस सीमाएं पोरस बॉर्डर छिद्रिल सीमाएं यानी जहां पर सीमांकन भी नहीं है कि कौन हिस्सा चाइना का है कौन सा भारत का है कौन सा बांग्लादेश का है, कौन सा भारत का है, कौन सा पाकिस्तान का है कौन सा भारत का कौन सा म्यांमार का है कौन सा भारत का तो ऐसे में हमें अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने पड़ते हैं तो शायद यही एक कारण रहा है जिसके कारण से म्यांमार के मामले में भारत ने यानी ना तो समर्थन किया और ना ही उसका विरोध किया तो आप देख सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिया नेबरहुड रिमेन्स बोलाटाइल एंड अनसर्टेन आई ए एफ चीफ तो यह भी ये इंपॉर्टेंट है भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती में कभी भी आप कोई भी प्रश्न लिख रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी पर यह सब स्टेटमेंट आपको कभी आप खुद सोचे कभी मन में आया कि भारत की एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो बोलाटाइल है और अनसर्टेन है यानी वो किसी भी समय किसी भी प्रकार का गलत एक्शन भारत के विरुद्ध कर सकते हैं इसका मतलब है कि सीमा पर भारत को हमेशा से आंतरिक सुरक्षा की एक चुनौती रही है और आगे भी रहेगी ऐसा आई के चीफ के स्टेटमेंट से पता लग जाता है तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा अब देखिए फिर आ गया अभी हमने कुछ दिन पहले ही शांति अपनाई थी कि कोलेजियम और कोलेजियम के मुद्दे पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में झगड़ा मैंने खूब कराया अब आज देखिए फिर एग्जीक्यूटिव यानी लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू की तरफ से स्टेटमेंट आ गया देख सकते हैं सेंटर रिसीव्ड फीडबैक ऑन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कॉलेजियम सिस्टम अब देख लीजिए यानी ये कह रहे हैं केंद्र के पास बहुत सा फीडबैक आया है कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है अब लीजिए आ गया कोलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी अब कल इस पर जवाब आएगा एडिटोरियल फिर स्टार्ट हो जाएंगे तो आप इसको ध्यान रखिएगा लगातार टसल चल रहा है अब आता है प्रिलिम्स की न्यूज आपके सामने में क्या क्या आता है चार फिल्में हैं यानी इंडिया की तरफ से चार एंट्री है जो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों कहां पर ठीक है ऑस्कर में जाएंगी चार फिल्में हैं गुजराती फिल्म है चेलो सो ठीक है यह बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में जाएगी दूसरा आरआर फिल्म का नाटू नाटू जो सॉन्ग था ये ये भी गया है ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ठीक है ना इसके अलावा तेलुगु सॉन्ग था ऑल दैट ब्रीथ्स इसको भी डॉक्यूमेंट्री फीचर्स में शॉर्ट लिस्ट किया गया इसको आप पीटी के लिए याद रखेगा इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट लिस्ट की गई है द एलिपेंट बिस्पर्स इसको भी याद ये चारों गए हैं याद रखेगा इसको आप चारों को याद रखेगा थैंक यू सो मच बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत आशीर्वाद हिंदी साहित्य के जो बच्चे हैं सुबह क्लास हो नहीं पाई थी चूंकि मैं सो के उठ नहीं पाया था आज और मैंने रात में मुझे नींद लेट आई थी तो मैंने रात को ही लगभग आप नींद अगर देखा और एक डेढ़ बजे मैंने क्लास वो शिफ्ट करी है क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी तो मैंने जो है उस क्लास को शिफ्ट किया रात को ग्यारह बजे तो जो भी बच्चे हिंदी साहित्य वाले हैं आज तीन नाटकों पर चर्चा होगी रात को ग्यारह बजे मस्ती की जाएगी बढ़िया खाना पीना खा के भारत दुर्दशा इसकंद और उसके की खिचड़ी बनाऊंगा एक दूसरे तुलना करूंगा, करूंगा। बच्चे, मिलते हैं से ब्रेक के साथ जय हिंद लेट गॉड ब्लॉन और बने रहिए शानदार तरीके से कल सुबह के लिए सेशन रखूंगा स्पेशल क्लास पे तो जो बच्चे आना चाहेंगे